मैं क्या करता हूँ इसी PWA वाले फोल्डर का, क्योंकि एक्चुअल में ये एक ही कोड है, रेस्टफुल API, और फिर उसमें हमने MongoDB भी ऐड किया था, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इंक्रीमेंटल वे में इस नंबर 5 वाले फोल्डर को ही 6 बनाया था, 7 बनाया था, अब इसको हम 8 बनाने लगे हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। और अभी इसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, इसका मैं नाम चेंज करके इसमें JWT रख देता हूँ नाम इसका, सही है, क्योंकि हम लॉग इन साइनअप करने लगे हैं और हम वो करेंगे JWT की मदद से। अच्छा, आई होप कि आज इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सर्वर का भी काम होगा और फ्रंट एंड में भी चेंजेस होंगी, तो हम पहले क्या करते हैं, सर्वर वाला काम कर लेते हैं, ठीक है, आज की डेट में, और हम फिर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जो फ्रंट एंड पे करने का काम है वो हम कर लें और इस तरह इसको हम कंप्लीट करें। अच्छा, करंट की स्पेलिंग सब जगह गलत है। सही है, करंट की स्पेलिंग सब जगह सही करके इसमें मैं क्या खोल लेता हूँ, सर्वर। ठीक है, सर्वर खोल के मैं आ जाता हूँ कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, उसमें आ जाते हैं। अच्छा, ये वाला कोड एक्चुअली पहले कई दफ़ा मैं लिख चुका हूँ, तो बार बार उसको लिखने से बेहतर है कि इसको मैं ज़रा किसी और जगह से कॉपी वॉपी कर लूँ। यार, मुझे एक बंदा कोई मिसिंग लग रहा है आप में से। ये वाली ऑफ कर दो यार, ये प्रोजेक्टर वैसे भी खराब है, सही नहीं है। सर वो शार्प है ना, वहां पर नजर आएगा, वैसे भी लाइट होगी। इसको बंद करूंगा तो नजर आएगा, इसको बंद करेंगे भी ये नजर आएगा। भाई अभी अभी मैं कोई कोड करने नहीं कह रहा, उठ के वहां जाके बैठ जाओ, सारा खाली हुआ है। चलो ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्टर है उसके करीब जाके बैठ लो। हाँ भाई, तुम देखो, मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ ना, तो अभी छोड़ दो उसको, बंद कर दो। ठीक है, उसको बंद कर दो। अभी तुम क्या करोगे, 5 मिनट में क्या करोगे बताओ मुझे। 5 मिनट में तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, जब आपसे 24 और 48 घंटे में नहीं हुआ तो 5 मिनट में थोड़ी हो जाएगा। तो छोड़ दो कीबोर्ड माउस और पीछे जाके उनके साथ खड़े हो जाओ। अच्छा यार, क्या मैं सर्च करने लगा था। अभी मैंने पता नहीं कौन सी रीसेंट क्लास में पढ़ाया था यार, भूल गया, ये रहा इसमें पढ़ाया था। अच्छा, तो भाई इसके लिए सबसे पहले आपको JWT की लाइब्रेरी चाहिए होगी। ठीक है, जो बेस आपका सेटअप है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, JWT की लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और साथ साथ मुझे ज़रूरी रहेगा मेरे लिए कि मैं इसको इंस्टॉल भी कर लूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं इस फोल्डर में आ जाता हूँ, CD 5 टैब एंटर, CD 8 टैब एंटर, सही है, NPMI और जेसन वेब टोकन, ये पूरी लाइब्रेरी का नाम है, और ये मैंने जेसन वेब टोकन इंस्टॉल कर लिया इस अपने सर्वर वाली ऐप के। अच्छा, तो सबसे पहले ये लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली मैंने। लाइब्रेरी इंक्लूड करने के बाद मुझे चाहिए होगा कुकी पार्सर।
ठीक है, जैसे हम बॉडी पार्सर अभी तक यूज़ करते हुए आए हैं, बॉडी पार्सर का काम क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट की जो रिक्वेस्ट आता है क्लाइंट के पास से सर्वर तक पहुंचता है, उस रिक्वेस्ट की बॉडी को पार्स करके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आपको वो दे रहा होता है, ठीक है। इसी तरह कुकीज़ भी जो है ना, क्लाइंट से जब कोई रिक्वेस्ट आती है उसके साथ कुकीज़ भी आती हैं, ठीक है, तो उस कुकी को पार्स करेगा ये और उसको जेसन फॉर्म में आपको दे रहा होता है ये, ठीक है। तो ये कुकी पार्सर भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया। अच्छा, कुकीज़ हम क्यों यूज़ करेंगे ये भी अच्छे से समझ लें। कुकीज़ जो है, देखो अभी इसका मैकेनिज्म ये होगा कि कुकी पार्सर भी मैंने इंस्टॉल कर लिया, क्या हुआ ये, अच्छा npm ID लिखा है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, जो जेसन वेब टोकन JWT के जो काम करने का तरीका, बल्कि इस वक्त जितनी भी ऑथेंटिकेशन के तरीके मौजूद हैं उन सब में यही होता है ऑलमोस्ट, कि एक दफ़ा बंदा लॉगिन करता है उसको एक टोकन इशू कर दिया जाता है और वो टोकन जो ब्राउज़र में सेव हो जाता है और हर अगली रिक्वेस्ट में वो टोकन साथ में लेकर आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लॉगिन साइनअप की APIs बनाते हैं और लॉगिन साइनअप की, क्योंकि सर्वर जो एक्सप्रेस के वो पाइपलाइन मैकेनिज्म में काम करता है, रिक्वेस्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि लॉगिन और साइनअप तो मतलब नॉर्मली बनाते हैं जैसे हम अभी तक सारी APIs बनाते रहे, लेकिन उसके बाद की तमाम APIs जो हैं उसमें जब भी रिक्वेस्ट आती है तो हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये टोकन लेकर आया है अपने साथ और क्या वैलिड टोकन ये है, अगर है तो उसको हम प्रोसीड करने देते हैं, अदरवाइज 401 स्टेटस करके हम वापस भेज देते हैं, सही है। तो मोर और लेस तमाम ऑथेंटिकेशन सिस्टम में यही हो रहा होता है, चाहे वो फायरबेस ऑथेंटिकेशन हो, चाहे वो गूगल की हो, ठीक है। ओऑथ 2.0 जो है उस वक्त सबसे वाइड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, ऑथेंटिकेशन का आप समझ लें सिस्टम तो नहीं है, स्टैंडर्ड है, तो उसमें भी यही हो रहा होता है कि टोकन आप भेज देते हैं और वो ब्राउज़र में सेव हो जाता है टोकन। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि उस टोकन को सेव कहाँ पे किया जाए, व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टोर दैट टोकन। तो एक हमारे पास ऑप्शन होता है लोकल स्टोरेज, ठीक है, कि लोकल स्टोरेज में हम उसको सेव कर लें, लेकिन लोकल स्टोरेज जो है वो उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें कुछ क्या है, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि लोकल स्टोरेज जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस हो सकता है। तो एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको इमेजिन कीजिएगा और बहुत गौर से समझेंगे तो ये बात समझ आएगी, वरना सर पे से चली जाएगी। एक आपने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, ठीक है, फ्रंट एंड की वेबसाइट है, HTML की वेबसाइट है, उसमें कोई रिएक्ट वियक्ट कुछ भी नहीं है। अच्छा, उस वेबसाइट में आपने लॉगिन वॉगिन किया, टोकन आके लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया। अब हर अगली रिक्वेस्ट में वो टोकन जाता है लोकल स्टोरेज से उठ के। अब प्रॉब्लम तो इसमें कुछ भी नहीं है, लोकल स्टोरेज बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। लोकल मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपना खोला हुआ ना sysborg.com, तो मैं अपनी जावास्क्रिप्ट के कोड के जरिए सिर्फ sysborg.com से जो सेव हुआ हुआ लोकल स्टोरेज है वही एक्सेस कर सकता हूँ। इसके पड़ोस वाले टैब में youtube.com खुला हुआ है ना, मैं उसका लोकल स्टोरेज एक्सेस नहीं कर सकता। तो लोकल स्टोरेज है तो प्राइवेट, ऐप के लिए प्राइवेट होता है वो स्पेस, दूसरी ऐप्स को पता नहीं होता कि दूसरी ऐप के लोकल स्टोरेज में क्या है। लेकिन मसला ये है कि अगर अंदर वल्नरेबिलिटी आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे हम। मिसाल के तौर पे आपने एक लाइब्रेरी इस्तेमाल की है बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड में। अच्छा, वो बूटस्ट्रैप जो लाइब्रेरी है वो आपने CDN उसका लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इमेजिन करें कि बूटस्ट्रैप का जो जावास्क्रिप्ट उठ के आ रहा है, या एक्सियोस आपने लाइब्रेरी यूज़ की हुई उसका जो जावास्क्रिप्ट उठ के आ रहा है, उसमें छोटी सी एक स्क्रिप्ट ऐड होकर आ जाए जो क्या करे, आपके लोकल स्टोरेज में जितनी चीज़ें वो उठाए और एक सर्वर पे भेज दे, हो सकता है ना ये, ठीक है। तो CDN सर्वर अगर हैक हुआ, जहाँ से CDN से आप लेकर आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, वो अगर हैक हुआ तो, और आपके पास अगर ऐसी कोई स्क्रिप्ट आ गई किसी लाइब्रेरी के साथ चपक के जो आपके लोकल स्टोरेज का सारे डेटा उठा के भेज दे गए, तो आपका टोकन जो है वो क्या हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा। अच्छा, वंस वो टोकन किसी के पास भी पहुंच गया, उस टोकन के ज़रिए क्या किया जा सकता है, वो मतलब जिस जगह पे वो यहाँ रखा हुआ था उसी जगह में मैं इस कंप्यूटर में रखूँगा, लिखूँगा sysborg.com, पहले से ही लॉगिन शो कर रहा होगा, यही होगा ना। तो लोकल स्टोरेज जो है वो दैट इज़ नॉट द आइडियल प्लेस टू स्टोर टोकन। और कौन सी जगह हो सकती है, सेशन स्टोरेज।
सेशन स्टोरेज भी एक जगह होती है बिल्कुल लोकल स्टोरेज की तरह, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होता है, अच्छा सेम उसमें भी मसला है क्योंकि सेशन स्टोरेज को एक्सेस किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो उसमें भी सेम मसला है। और दूसरा ये कि वो विंडो बंद करते ही ख़त्म हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें तो लॉन्ग टाइम तक लॉगिन रखना है बंदे को। फिर आपके पास है कुकीज़, अच्छा कुकीज़ में भी सेम मसला है, कुकीज़ को भी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है, जैसे लोकल स्टोरेज में आप करवाते हैं ना सेट आइटम गेट आइटम, इसी तरह आप कुकीज़ में भी चीज़ें रखवा सकते हैं और वहाँ से गेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने HTML की ऐप के अंदर। फ्रंट एंड की बात हो रही है, अभी सर्वर की बात नहीं हो रही। तो कुकीज़ में भी यही मसला है सेम। अब बताओ, सोच के बताओ कि ऐसी अब कौन सी जगह है जहाँ पर इस टोकन को रखा जाए। भाई जावास्क्रिप्ट से तो गेट सभी होंगे ना, कभी सोचा है इस बारे में? ऐसे होता है ना, हैव यू एवर वंडर्ड कि वो किधर स्टोर करते हैं उसको। तो फिर क्या किया, ये जितने भी मेजर ब्राउजर्स हैं ना, इन्होंने ना कुकीज़ का एक ऐसा वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया जो जावास्क्रिप्ट से एक्सेस नहीं हो सकता, वो जावास्क्रिप्ट से एक्सेस नहीं हो सकता। मतलब आप फॉर लूप चला के या इफ एल्स लगा के उसको गेट ही नहीं कर सकते, नहीं लोकल स्टोरेज से करें गेट आइटम सेट आइटम, वो उसमें नहीं कर सकते आप। दैट इज़ कॉल्ड HTTPS ओनली कुकीज़, ठीक है। तो ये वाहिद वो जगह है जहाँ पे टोकन को आप स्टोर कर सकते हैं और ये सिक्योर समझा जाता है तमाम इस वक्त जायंट्स के नज़दीक, ठीक है। इसमें अभी तक कोई वल्नरेबिलिटी इस तरह की नहीं पाई। अच्छा, कुछ अरसे पहले तक बाय द वे लोकल स्टोरेज को सिक्योर समझा जाता था, कुछ अरसे पहले तक, ठीक है, क्योंकि ये सोचा नहीं था किसी ने कि यार अगर CDN का नेटवर्क हैक हो गया तो फिर क्या होगा। फिर जैसे ही ये ख्याल आया लोगों को कि यार CDN के नेटवर्क से कोई स्क्रिप्ट चिपक या हुआ होगा इंसिडेंट किसी के साथ, तो फिर उन्होंने बोला नहीं यार अब लोकल स्टोरेज इज़ नॉट रिकमेंडेड नॉट एनी मोर। वरना बैंक की एप्लीकेशन सेशन स्टोरेज में अपना वो स्टोर कर रही होती थी कुछ अरसे पहले तक, तो आप बैंक की ऐप को जैसे ही क्लोज करके दोबारा खोलते थे वो लॉगआउट हो चुकी होती थी। तो वो एक्चुअल में ये होता था सेशन स्टोरेज में सारा डेटा होता था पड़ा हुआ। अच्छा, बाई द वे कुकीज़ में भी ना एक अभी वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी आ गई है, लेकिन वो इस डोमेन की नहीं है, वो डोमेन असल में थोड़ा डिफरेंट है उस वल्नरेबिलिटी का, वो मैं बता देता हूँ क्या है। लोग ना नेटफ्लिक्स के कुकीज़ बेच रहे हैं आजकल, पता है किसी ने खरीदी है या कितने लोगों ने सुना हुआ है कि नेटफ्लिक्स की कुकीज़ बिक रही है? तुमने भी सुना हुआ है। वो करते असल में ये है, देखो जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो वो कुकीज़ एक्सेस नहीं हो सकती हैं, लेकिन मेरा कंप्यूटर है ना, मेरा ब्राउज़र है, तो मैं ब्राउज़र की सेटिंग में जाके एक अंदर जगह होती है वहाँ से उसको मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, उस कुकी को मैं गेट कर सकता हूँ। तो वो कुकी मैंने निकाल ली मेरे कंप्यूटर से, फिर मैंने क्या किया इस कंप्यूटर में लाके वो कुकीज़ को उसी जगह पे सेट कर, कंप्यूटर मेरा है ना तो मैं कर सकता हूँ मैं अगर चाहूँ तो, क्योंकि जाहिर है वो अल्टीमेटली है तो कोई फाइल बनी हुई है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, कहीं ना कहीं कोई फाइल है जिसके अंदर वो स्टोर हो रही है। वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एक्सेस नहीं हो रही तो क्या हुआ, है तो एक फाइल ना हो तो वो मैं इस कंप्यूटर में क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो इधर से कुकी निकाल के इधर डालते हैं, netflix.com खोलते हैं, पहले से लॉगिन हुआ होता है वो, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये वल्नरेबिलिटी नहीं है, मैं खुद अपने क्रेडेंशियल दे रहा हूँ किसी और को, ठीक है। तो ये थोड़ा दूसरा डोमेन है, मतलब कोई अगर बैंक की एप्लीकेशन है मेरी, अब मैं मीज़ान बैंक की ऐप अगर लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं वो कुकी निकाल के तो नहीं बेचूंगा ना किसी को कि भाई मेरे अकाउंट में इतने लाख पड़े हैं कुकीज़ खरीद लो मेरे से, ऐसा तो नहीं करूँगा ना। तो है तो सिक्योर उस, लेकिन ये डोमेन दूसरा है कि पायरेसी के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, पहले भी करते होंगे लोग, इसमें भी हो रहा है। तो वेल नेटफ्लिक्स कोई ना कोई इसका जुगाड़ निकालेगा बहुत जल्द। तो जेसन वेब टोकन हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो टोकन बनाने के काम आती है, टोकन बनाने के काम आती है, मतलब जब बंदा क्लाइंट से अपना ईमेल और पासवर्ड लिख के इधर भेजेगा सर्वर पे, तो सर्वर पे हम एक खिचड़ी पकाएंगे एक टोकन की, सही है, ख़ास किस्म का टोकन बनाएंगे। अभी एक टोकन ख़ास किस्म का क्यों है वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। एक ख़ास किस्म का, वैसे तो अगर सही मानों में देखा जाए तो मैं रैंडम कोई भी स्ट्रिंग बना दूँ, जैसे अभी MongoDB में देखा ना वो ID होती है उसकी, वो बहुत सारा लंबा सा टेक्स्ट होता है, तो वो UUID से मैं कोई लंबा चौड़ा सा एक रैंडम स्ट्रिंग बनाऊँ भेज दूँ मैं, तो मुझे जेसन वेब टोकन के लाइब्रेरी की क्यों ज़रूरत पड़ रही है एक टोकन को बनाने के लिए? टोकन तो रैंडम स्ट्रिंग हो सकता है, वो मैं भेज सकता हूँ तो उधर चला जाएगा, वहाँ सेव हो जाएगा, वहाँ से हर दफ़ा लेकर आएगा, मैं चेक करूँगा कि इफ़ इक्वल्स है कि नहीं है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत हमें इस वजह से पड़ रही है कि अगर हम रैंडम स्ट्रिंग भेजेंगे ना यहाँ से सर्वर से उठा के, तो उस, अब जाहिर है हर यूज़र को अलग भेज रहे हैं ना,
हर यूज़र को अलग भेज रहे हैं, तो उसको मुझे अपने पास डेटाबेस में कहीं स्टोर करना पड़ेगा। यही करूँगा ना मैं, अपने पास डेटाबेस में कहीं ना कहीं स्टोर करूँगा मैं। और क्या होगा, जब भी कोई यूज़र आएगा तो मैं उसको मैच करूँगा कि भाई इस मिसाल के तौर पर एक है, क्योंकि ईमेल से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इमेजिन कर लें यूज़र को, तो मैंने कहा फला ईमेल वाले बंदे को मैंने जो टोकन इशू किया था डेटाबेस में सर्च करके लाओ वो टोकन, और अगर ये दोनों मैच हो जाए तो बंदे को जाने दो आगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम नंबर एक प्रॉब्लम तो ये कि हर दफ़ा डेटाबेस में क्वेरी लग रही है, ठीक है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर इसको हम माइनस करते हैं तो क्या ही अच्छी बात है। हर रिक्वेस्ट पे ना, मतलब जब भी बंदा कोई बटन दबाता है तो डेटाबेस में क्वेरी लाजमी जाती है, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इसको हम माइनस कर पाए तो क्या ही बात है। तो जेसन वेब टोकन जो है ना, इस ये ऑफलाइन टोकन इसको भी कहते हैं, ठीक है, जेसन वेब टोकन इज़ अ काइंड ऑफ टोकन दैट इज़ कॉल्ड ऑफलाइन, कि अगर इंटरनेट टोटली डिस्कनेक्ट हो जाए तब भी इस टोकन को वेरीफाई किया जा सकता है। सही है, अच्छा कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, इस टोकन के अंदर ही हम रख देते हैं कि ये टोकन किस ईमेल के बंदे को इशू किया है, ठीक है, और इस टोकन के अंदर जो भी डेटा लिखा होता है वो भी ओपन होता है, लेकिन लास्ट में उसके एक हैश लगा हुआ होता है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें ना अक्सर, तो जेसन वेब टोकन एक्सप्लेन्ड, कोई ना कोई आर्टिकल खुल जाएगा जो आपको बताएगा कि क्या है चक्कर इसका। अच्छा, तो इसके ना टोकन के तीन पार्ट होते हैं एक्चुअली, एक होता है हेडर, एक होता है पेलोड, एक होता है सिग्नेचर, ठीक है। हेडर में ये लिखा हुआ होता है कि ये टोकन जो है ना किस चीज़ से जनरेट किया गया। जाहिर है टोकन जनरेट करने का और भी तरीका है, जेसन वेब टोकन के अलावा भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिनसे टोकन बनाया जाता है, ठीक है, जैसे कि SHA-256, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड ASE पता नहीं करके है, वो बड़ा यूज़ होता है, तो इसी तरीके से MDA का टोकन होता है, बहुत सारे अलग अलग टोकन्स होते हैं। तो JWT जो है ना, वो जाहिर है हेडर में वो टोकन के लिखा होता है कि ये JWT का टोकन। अच्छा, पेलोड के अंदर आप कोई भी जेसन डेटा डाल सकते हैं, छोटा जेसन, जाहिर है बहुत बड़ा जेसन आप नहीं डाल सकते, तो छोटा सा जेसन डेटा आप डालेंगे इसका, ठीक है। आप इस केस में देखें कि क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है और एडमिन ट्रू कि ये बंदा एडमिन है, और IAT मतलब ये किस वक्त इशू हुआ है, कितने बज के कितने मिनट पे ये इशू हुआ है, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि यार 24 घंटे बाद एक्सपायर करना है कि 48 घंटे बाद या 5 मिनट बाद एक्सपायर करना है, लाइक दैट। और लास्ट में जो ये सिग्नेचर होता है ना, ये सिग्नेचर जो है, अगर मैंने ये पेलोड चेंज किया तो ये सिग्नेचर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये टोकन मैं बनाता कैसे हूँ, ये टोकन मैं अपने हाथ से नहीं बनाता, इसके लिए फंक्शन मौजूद है जेसन वेब टोकन की जो लाइब्रेरी है, मैं उसके ज़रिए बनाता हूँ। तो हमें काइंड ऑफ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये बन कैसे रहा है, लेकिन फिर भी थ्योरी पता होनी चाहिए बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। वो ये करता है, हेडर तो फिक्स है, वो तो एक ही है, मतलब टाइप JWT, दैट्स इट। पेलोड के अंदर जो मैं जेसन डालता हूँ वो होता है, और तो ये जो हेडर पेलोड सिग्नेचर है ना, ये एक्चुअल में दिखने में कैसा फील कराता है, अगर यहाँ पे इन्होंने ये बनाया हुआ ना टोकन, ठीक है, तो ये एक टोकन है, ठीक है, ये डॉट देख रहे हो बीच में छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा डॉट है, ये पार्ट क्या है, हेडर है, ठीक है, ये पार्ट क्या है, इतना जो है पार्ट पेलोड है। अच्छा, पेलोड में जितना ज़्यादा डेटा होगा ये उतना लंबा होगा फिर पेलोड, फिर डॉट के बाद जो लास्ट वाला है ये क्या है, सिग्नेचर है। अच्छा, ये जो सिग्नेचर है ना, ये किसका हैश है, ये इस पेलोड का हैश है। हैश समझते हो, हैश क्या होता है बता सकते हो भाई, इंक्रिप्शन की एक टेक्निक होती है हैश, कोई बता सकता है इसके बारे में कि ये हैश, क्रिप्टो करेंसी में तो होता है लेकिन हैश क्या होता है। अच्छा, बाय द वे क्रिप्टो करेंसी में भी यही चल रहा है, कॉन्सेप्ट एक ही है, अगर ये समझ जाओगे तो शायद क्रिप्टो करेंसी समझने में भी आसानी होगी, ठीक है, मतलब ये समझने में आसानी होगी कि क्रिप्टो करेंसी एक बबल है। खैर, तो हैश के बारे में कोई बता सकता है कुछ, वैल्यू बनाया जाए और उसी की से उसको वापस भी मतलब लाया जा सके। सही है, गलत आंसर है।
नहीं सही गलत मैटर नहीं करता, देखो बोलने की हिम्मत तो है ना, कुछ तो ओपिनियन तो दे रहा है। ठीक है लिखो ना गूगल पे, लिखो जल्दी से कि हैश क्या होता है, व्हाट इज अ हैश, जल्दी से 5 मिनट में मुझे, 5 मिनट भी बल्कि ज्यादा 15 सेकंड में मुझे बताओ कौन सा हैश आ गया। अच्छा भाई जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहे, जहमत नहीं करो, खड़े रहो। पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं कर सकते तो हैश बना देते हैं, ऐसा है। अच्छा चलो हो गया 15 सेकंड, छोटा करके कैसे दिखा दो। हैश इनक्रिप्शन की एक ऐसी टेक्निक है, सारे इधर मुतवज्जो हो जाओ, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक दफ़ा अगर आप किसी चीज़ को इनक्रिप्ट कर देते हैं तो उसको दोबारा डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, वन वे इनक्रिप्शन है ये। ठीक है हैश जो है, जो वन वे इनक्रिप्शन होती है उसको हैश कहते हैं। ठीक है इनक्रिप्शन वैसे तो होती है ना कि भाई कोई लिखा हुआ लेटर है उसको इनक्रिप्ट कर दिया आपने और वापस डिक्रिप्ट करके उसको आप रीड भी कर सकते हैं। सही है, तो ये तो टू वे इनक्रिप्शन हुई ना कि भाई इनक्रिप्ट भी होगा डिक्रिप्ट भी होगा। ऐसी इनक्रिप्शन जो वन वे होती है उसको हम हैश कहते हैं। सही है, तो आप हैश बोल लो या वन वे इनक्रिप्शन बोल लो बात देखिए। अच्छा ये वन वे क्यों होती है और ऐसी इनक्रिप्शन का क्या करेंगे हम जो डिक्रिप्ट बाद में हो ही नहीं सकती। ठीक है इनक्रिप्शन पता है इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि देखो मैं ये चाहता हूँ जब मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो वो अच्छी तरह आपको समझ आ रहा हूँ, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। इनक्रिप्शन क्या चीज़ होती है पता है सब लोगों को? जो सामने हुडी में खड़े हो जरा बताओ इनक्रिप्शन तुम ही से कह रहा हूँ, व्हाट इज इनक्रिप्शन? क्यों शक्ल चेंज करने की जरूरत पड़ती है हमें? उसकी सिक्योरिटी की वजह से सिक्योर हो गया। सही है, तो सही बताया इसने। कोई ऐसा जिसको कोई भी शक हो इनक्रिप्शन क्या चीज़ होती है तुम्हें? और तुम्हें भी नहीं पता, इसने बताया तो अभी नहीं, मतलब सेटिस्फाई हो ऐसा हो सकता है। अच्छा इनक्रिप्शन जो होती है ना वो सिक्योरिटी के लिए होती है, एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए होती है इनक्रिप्शन। सही बताया उसने। देखो ये इनक्रिप्शन जो है अभी का आइटम नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने से जो मैथमेटिशियंस हैं ना, असल में देखो आजकल के ज़माने में तो जो साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं ना कि साइंटिस्ट है इनोवेशंस कर रहे हैं। सही है, पहले ज़माने की जो साइंटिस्ट की जगह पे जो लोग होते थे ना वो थोड़े अलग तरह के होते थे, वो ऐसे नहीं होते थे, मतलब वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होते थे और किसी जगह पे वो बाकायदा रिसर्च सेंटर में किसी के एम्प्लॉय नहीं होते थे। सही है, ऐसे फंक्शंस नहीं होते थे नोबेल वाले, वो आम तौर पे ना इस तरह के होते थे कि कोई बंदा है मशहूर है, कहाँ से सीखा उसने कहाँ से पढ़ा ये तो मैटर तो खैर करता है, कहीं ना कहीं से उसने जो बेसिक अपनी तालीम है वो हासिल की है। तो कोई पेंटर होते थे, पेंट करता है वो, और लोग अपने मसले ना उसके पास लेके जाते थे कि यार ये मसला है आप बताओ क्या करें। ठीक है, तो सम टाइम ये होता था कि बादशाह वगैरह को पता चल जाता था कि अच्छा यार ये बंदा थोड़ा समझदार है, तो वो उसको अपने पास बुला लेते थे और वो उसको एक कमरा वमरा बना के देते थे, कहते हैं भाई तेरा अनलिमिटेड फंड है जो तूने करना है कर। ठीक है, और उसके रिटर्न में बादशाह के मसले हल कर, जो बादशाह के बड़े बड़े मसले हैं ना उसको हल कर। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ जीनियसेस जो होते थे ना उस ज़माने के वो इस तरह के होते थे। ठीक है, अच्छा फिर लोग उसको फॉलो कैसे करते थे, जैसे अभी सुकरात वगैरह का पढ़ेंगे ना तो मतलब लोग उसके पास ही होते थे हर वक्त 24 घंटे, यानी उसके घर भी पहुँचे हुए होते थे, पता नहीं घर होता था या कोई ड्राइंग रूम टाइप की कोई जगह होती थी वहाँ पे पहुँचे हुए होते थे और बस वो कोई भी बात करता था उसको वो सुनते रहते थे लिखते रहते थे अपने पास, इस तरह से कहानी चलती थी। ठीक है, तो मतलब एक 24 आवर का एक वहाँ पे दरबार सजा रहता था। तो इसी तरीके से आप जैसे अभी वो उसका मैं नाम भूल गया, बड़ा वो जीनियस था, लियोनार्डो डा विंची,
ठीक है, कुछ इस तरह का था ये लियोनार्डो डा विंची। तो इसके इसने इंक्रिप्शन की जो जड़ें हैं ना वो इससे जाके मिलती हैं। तो लियोनार्डो डा विंची ये पूरा इसका नाम है द पियरो डा विंची। 15 अप्रैल 1452 में ये पैदा हुआ और 1500 में ये वफात पा गया। ठीक है, वॉज एन इटालियन पॉलीमैथ। ठीक है, अब पॉलीमैथ को पढ़ना है कि ये क्या होता है। बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक। ठीक है, वेडलॉक अब ये मतलब अम्मी अब्बी की अब्बू की इनकी शादी नहीं हुई भी थी, ये आउट ऑफ वेडलॉक बॉर्न हुए। टू अ सक्सेसफुल लियोनार्डो इज आइडेंटिटी, और ये पूरी इसके बारे में अब लिखी हुई विकिपीडिया का पेज है, आप ये देखेंगे। तो क्यों था ये फेमस? बेस्ट नोन फॉर हिज ड्रामेटिक एंड एक्सप्रेसिव आर्ट वर्क। वैसे था ये पेंटर वेंटर था। अच्छा, आर्ट वर्क का मतलब पेंटिंग भी नहीं है सिर्फ, इसने बहुत सारी मशीनें भी बनाई हैं, बहुत सारी इसने और भी चीज़ें बनाई हैं जिसका ताल्लुक। ठीक है, कंडक्टेड डजन्स ऑफ केयरफुल थॉट्स आउट एक्सपेरिमेंट एंड क्रिएटेड फंटास्टिक इन्वेंशंस दैट वर ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर द टाइम। इसने बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस की जो उस वक्त के हिसाब से ग्राउंड ब्रेकिंग थी। मतलब उस वक्त का ये क्या था, आप कह लेंगे वो जो ऐसे अंकल था ना, ये क्या नाम था उसका, हाँ उस वक्त का स्टीफन हॉकिंग था ये। ठीक है, हिज कीन आई एंड क्विक माइंड लेड हिम टू मेक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज, येट ही नेवर पब्लिश्ड हिज आइडियाज। ठीक है, मतलब देख रहे हो लेवल ऐसा, बहुत कुछ किया लेकिन खुद कुछ भी पब्लिश नहीं किया। लोग आते थे सुनते थे, लोग उसके आइडिया ले जाते थे, उससे कुछ वो बना लेते थे, कभी पूछा नहीं, मतलब ये वाला लेवल। तो इस तरह के होते थे जीनियसेस, थोड़े अलग होते थे, आज के दौर से अलग होते थे। अच्छा, इस तरह के लोग आज भी आपको मिलेंगे, लेकिन इस तरह के लोग अब थोड़ा कम हो गया, ये चीज़ें सारी सिस्टमेटिक हो गई हैं। तो इसने जो है ना एक चीज़ बनाई थी, उसका नाम था भूल रहा हूँ मैं भी नाम उसका, डिवाइसेस लिखता हूँ शायद वो आ जाए सामने, क्रिप्टेक्स नाम याद आ गया मुझे। क्रिप्टेक्स, यस, हियर इज द क्रिप्टेक्स। ठीक है, तो दिस इज अ क्लासिक लियोनार्डो डा विंची आर्ट पीस, मास्टरपीस। दिस इज क्रिप्टेक्स, उस जमाने का ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इनक्रिप्टेड डिवाइस हुआ करती थी। ये डिवाइस काम कैसे करती है, आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में एक बॉटल है, ये एक्चुअल में एक बॉटल है, और ये देख रहे हो ये बॉटल को खोला है ना तो ये बाहर निकल रहा है। मतलब ये पीस यहाँ जुड़ा हुआ था ना, ये खिंच कैसे बाहर आ रहा है इसमें से। अबे नहीं, ये तो वैसे ही किसी का एड वैड है, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें क्रिप्टेक्स मैंने डाल के दे दो अंगूठियाँ वो बेचारी से खुलेगा ही नहीं जिसको डाल के दो गया। तो वेल, इसमें क्या होता है कि अब इसको निकालते हैं और अंदर जो है ना बॉटल के अंदर ये जो हॉलो जो जगह है उसके अंदर क्या करते थे, एक वेनेगर की बॉटल रखते थे, सिरके की बॉटल। सिरका इज़ अ एसिड, पता है ना आपको। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड अगर वेनेगर हो तो आपका हाथ भी जला सकता है वो, मेरा जल चुका है एकदम। ठीक है, जो फूड ग्रेड का होता है वो तो जाहिर है डाइल्यूटेड होता है, वो मेरे ख्याल 12% होता है या 8% होता है जो अच्छे वाला होता है बहुत। ठीक है, वरना तो 3% बिक रहे होते हैं मार्केट में, तो वो एक्चुअल में 3% वेनेगर होता है, बाकी वो पानी और सॉल्ट होता है। तो अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड हो, मतलब 60-70% हो अगर, तो हाथ जला देगा आपका। तो वो वेनेगर की बॉटल बारीक ग्लास वाली, उसके ऊपर पेपर पे लपेट के जो मैसेज है, जो बादशाह का मैसेज है, वो लपेट के और इसके अंदर डाल के, और ये वाले जो ये 26 डिजिट्स होते हैं ना आपके ए से लेके जेड तक, तो ये 26 डिजिट को आपने ऐसे घुमा फिरा दिया। ठीक है, तो बस ये मैसेंजर को आपने दे दिया। अब ये मैसेंजर इसको लेकर निकलेगा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएगा। ठीक है, दरमियान में इसको वो खोल नहीं सकता है क्योंकि कोड तो उसको पता ही नहीं है। ठीक है, और इसको तोड़ के भी नहीं निकाल सकता बाहर मैसेज। अगर मैसेंजर भी करप्ट हो जाए ना आपका, मैसेंजर ही किसी से पैसे खा ले, या मैसेंजर को मिसाल के तौर पर किसी ने कत्ल कर दिया, तो इसको वो तोड़ के मैसेज बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है, क्योंकि वो पेपर ऐसा होता है, अच्छा पेपर तो होता नहीं था उस ज़माने में, बाई द वे उस ज़माने में पाइपरस हुआ था, पेपर से पहले की एक फॉर्म थी
जो थोड़ा रॉ फॉर्म होती है पेपर की ना, तो पाइप्रस होता था। तो पाइप्रस जो है वो जब ऑर्गेनिक होता है तो जैसे ही वो सिरके से कॉन्टैक्ट में आता है वो हवा हो जाता है, मतलब जल के वो राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर उसको कोई तोड़ के निकालने की कोशिश करेगा तो सिरके की बॉटल टूट जाएगी और वो मैसेज जो था अंदर वो वैनिश हो जाएगा। और इसको इस हिसाब से बनाया गया था कि सिरके की बॉटल टूटते ही वो बाकायदा उसको वैनिश करके सिरका बाहर आएगा। तो ये उसका एक मास्टरपीस था, क्रिप्टेक्स और क्रिप्टोग्राफी की काइंड ऑफ ये इब्तदा थी, इस तरह भी आप मान सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्रिप्टोग्राफी इससे पहले मौजूद थी या नहीं थी, ये आप अलग से देख लीजिएगा। तो ये है क्रिप्टेक्स, सही है, मसला समझ रहे हो ना? बादशाह का मसला ये है, मैं दूसरे मुल्क के बादशाह को कोई मैसेज भेज रहा हूँ कि भाई हम दोनों ने मिलकर किसी पे हमला करना है, या कोई हमला कर रहा है, अपनी कोई मजबूरी बता रहा हूँ उसको, और वो किसी को पता चल गया रास्ते में किसी तीसरे को, वो कितना ख़तरनाक हो सकता है उस मुल्क के लिए। ऐसी बात कोई सीक्रेट, अच्छा आज के दौर में ये काम कैसे होता है कोई बता सकता है? किसी को आइडिया है? हैव यू एवर वंडर्ड? टेलीनॉर के नंबर से तो फ़ोन नहीं करता होगा ना बराक ओबामा? सैटेलाइट भी सेफ नहीं है, सैटेलाइट तो सबसे अनसेफ है। नहीं टिक टिक करके तो देता है लेकिन जाता कैसे है वो तारों से? ये जो इंटरनेट की तार तो सबमरीन से गुजरी हुई है, उसमें तो 10,000 लोगों के इंटरसेप्टर लगे हुए, वहाँ से तो नहीं भेज सकता मैसेज, ये कैसे भेजेगा? सिक्योर फोन लाइन होती है, सिक्योर फोन लाइन। जो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जब बनता है बंदा तो उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में आगे क्यों रहना पड़ता है, या जो सदर बनता है उसको सदर हाउस में आगे क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि उस जगह पे वो सिक्योर फोन लाइन वगैरह और सारी सिक्योरिटी के गैजेट्स, बहुत सारी वेपन्स का कंट्रोल वहाँ पे लगा हुआ होता है पहले से, जो उसके घर नहीं जा सकता उसको यहाँ आना पड़ता है। तो इसलिए वज़ीर आज़म हाउस में आके रहना पड़ता है उसको, या एटलीस्ट सुबह सुबह इधर आना होता है। अगर वो रात को अपने घर भी चले जाए तो सुबह सुबह उसने आना इधर ही है, कहीं और रह के वो अपने ये मनसब के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि वो चीज़ ही नहीं अवेलेबल है। अभी कैनेडा के वज़ीर आज़म को फ़ोन लगाना है तो वो अपने टेलीनॉर के नंबर से तो नहीं लगाएगा ना, अगर लगा भी लेगा तो उस पर वो फिर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, हेलो हाय करके बंद कर देंगे, मगर वो भी नहीं करते, वो भी प्रेस में आ जाता है ना, फिर वो भी प्रेस में आ जाता है कि यार इसने सुबह 10 बजे फलां को फ़ोन किया, उससे हेलो हाय करके बंद कर दिया, ये न्यूज़ बनती है इसकी, ठीक है? तो ये भी नहीं कर सकते वो। तो सिक्योर फोन लाइन से कॉल होती है, सिक्योर फोन लाइन में इंक्रिप्शन लगी हुई होती है 10 तरह की, यहाँ से की डालते हैं वहाँ से की डालते हैं। अगर ख़त का तबादला होता है तो साइफ़र के ज़रिए होता है, वो तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, अभी न्यूज़ में साइफ़र इतना हुआ है, ठीक है? साइफ़र इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ए इंक्रिप्शन है, ठीक है? जिसकी जो की होती है ना, ये क्रिप्टेक्स, ये क्रिप्टेक्स से ये चला है ना, वही चल रहा है अभी तक एक्चुअल में। तो एक की होती है जो यहाँ के बादशाह को और अमेरिका के बादशाह से पहले ही शेयर्ड है, प्री शेयर्ड है, ये जाहिर है 26 लेटर पहले शेयर किए हुए होंगे ना दूसरे बादशाह से, वो मेमोराइज़ किया हुआ होता है उन्होंने आपस में, इसको हम कहते हैं सफारती ताल्लुकात, ठीक है? तो ये की शेयर हुई भी होती है पहले से, तो कोई भी मैसेज भेजना है उसी की के ज़रिए जाता है। तो वेल, तो ये हमने थोड़ा सा देखा कि यार इंक्रिप्शन जो है ना, इसकी इब्तदा, इसकी ज़रूरत शुरू से थी हमें। तो वेल, हम कहाँ पे थे? हम जेसन वेब टोकन को समझ रहे थे कि ये जेसन वेब टोकन क्या है, और हमने ये समझा था कि ये जेसन वेब टोकन कुछ इस तरह का होता है। इसका जो पहला वाला पार्ट होता है वो हेडर होता है, हेडर कह लो या हेड कह लो, सेकंड वाला जो पार्ट होता है इसका वो पेलोड होता है, और थर्ड वाला जो पार्ट होता है वो सिग्नेचर होता है, ठीक है? तो ये तीन इसके पार्ट होते हैं। अच्छा, जो पेलोड होता है वो पब्लिक होता है, वो आप खोल के आप भी देख सकते हो। मिसाल के तौर पर इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं करूँगा कि भाई पार्स JWT, ठीक है? गूगल पे वैसे लिखा मैंने, और ये कोई ऑनलाइन टूल आ गया, इसमें मैं लिखूंगा ना वो टोकन, तो उसके पेलोड में क्या है वो मुझे फौरन पता चल जाएगा, ठीक है? इधर मैंने इसको रिमूव किया, इस पर पेस्ट किया, देखो पेलोड के अंदर जो भी चीज़ थी ना वो मुझे यहाँ पे नज़र आ गई, ठीक है? टाइप इसकी JWT है, वो भी पता चल गया, और पेलोड के अंदर जो था वो भी पता चल गया। सिग्नेचर ऑन अदर हैंड पता तो वो भी चल गया, लेकिन आप इमेजिन करो इसमें आके ना मैं इस 1 को इसको 2 करता हूँ, लास्ट वाला पार्ट देख रहे हो चेंज हो गया, तो ये वाला चक्कर है, ठीक है? लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाता है, फौरन चेंज हो जाता है अगर आप बीच का पेलोड चेंज करो। अच्छा, बीच का जो पेलोड है उसका लास्ट वाले पार्ट से क्या ताल्लुक है? लास्ट वाला पार्ट एक्चुअल में हैश है, तो बता रहा था मैं हैश
हैश से फिर बात निकली इंक्रिप्शन की, तो पहले मैंने इंक्रिप्शन समझाया कि इंक्रिप्शन क्या होती है। तो लियोनार्डो डा विंची के टाइम पे जो इंक्रिप्शन थी वो क्रिप्टेक्स के ज़रिए होती थी, कोई दूसरा थी। बाद में मैथमेटिशियंस ने ऐसे तरीके ईजाद कर लिए कि मतलब लिखा हुआ लेटर है लेकिन उसके वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया खास सीक्वेंस में। मिसाल के तौर पर आपकी जो की है, आपकी की है 2 3 1 2 5, ठीक है। तो अब एक सिंपल सी इंक्रिप्शन ये हो सकती है कि अब लेटर का ना ये 5 कैरेक्टर है ना, अब लेटर को पहले वर्ड से स्टार्ट किया और ये पहले वर्ड पहले कैरेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे कैरेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऐसे करके फिर ये दोबारा रिपीट होगा। फिर ये तो एट द एंड वो लेटर क्या हो चुका होगा, बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, समझ रहे हो ना भाई। मतलब लेटर जो आपका लिखा हुआ है पहला, वो लिखा हुआ है हाय, तो एच का कोई ना कोई ASCII कोड होता है ना, तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मेरी जो की है वो पहला उसका 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एच तो नहीं रहा ना, अब तो कुछ और बन गया वो। उसके बाद आई था, आई को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा था, कॉमा को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी था उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जब ये पूरा कर लूँगा मैं तो ये लेटर तो पढ़ने के लायक तो नहीं रहा ना, ठीक है। तो इंक्रिप्शन में काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ें करते हैं। अच्छा, फिर जिसके पास पहुँचेगा उसके पास ये की होनी चाहिए ताकि वो क्या करे, शुरू से दोबारा स्टार्ट करे और पहले वाले को 2 से डिवाइड करेगा, फिर दूसरे को 3 से डिवाइड करेगा। फिर एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ, रियल वाली इंक्रिप्शन में मतलब इतना सिंपल कुछ भी नहीं होता। तो ये जो इंक्रिप्शन है इसको डिक्रिप्ट किया जा रहा है, राइट। ये जो इंक्रिप्शन हो रही है इसको डिक्रिप्ट किया जा रहा है ना, पहले इंक्रिप्ट किया फिर डिक्रिप्ट किया। अब ये हैश का जो जिक्र हो रहा था, हैश एक ऐसी इंक्रिप्शन होती है जो वन वे होती है, वो इंक्रिप्ट तो हो जाती है लेकिन उसको डिक्रिप्ट दोबारा ओरिजिनल डेटा में नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक जेसन था, एक स्टूडेंट था मेरे पास, ठीक है, उसका नाम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें थी, एक जेसन था। या मेरे पास एक लेटर था जो किसी बंदे ने दूसरे बंदे को लिखा है और एक लेटर है, वो टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। उसको मैं इंक्रिप्ट करूँगा अगर वन वे इंक्रिप्शन में, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक इस तरह का नंबर बन जाएगा, इस तरह का एक नंबर बन जाएगा, ठीक है, एक रैंडम स्ट्रिंग, रैंडम तो नहीं था, कैलकुलेटेड स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को मैं वापस उस लेटर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इस तरह की जो इंक्रिप्शन होती है वो किस चीज़ में इस्तेमाल होती है, क्यों हमें करते हैं, जब उसको वापस डिक्रिप्ट ही नहीं कर सकते तो करते क्यों हैं? ये हमने चीज़ों की ऑथेंटिसिटी को मालूम करने के लिए करते हैं। ऐसे केसेस में जहाँ पे एक्चुअल मैसेज तो सीक्रेट नहीं है, एक्चुअल मैसेज जो है वो सीक्रेट, जो भेजा जा रहा है वो सीक्रेट नहीं है, लेकिन ये मेक श्योर करना चाहता हूँ मैं कि जो मैंने लिख के भेजा है पहुँचे वही, कुछ और ना पहुँचे, बीच में कोई उसको मॉडिफाई ना कर दे, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ होती है। तो हम करते क्या हैं, ये आमतौर पर आपने सॉफ्टवेयर में भी देखा होगा कि गूगल क्रोम जब आप डाउनलोड करते हैं googlechrome.exe, तो वो साथ में कहता है कि इसका ये हैश है। तो वंस आप डाउनलोड कर लो तो इंस्टॉलेशन करने से पहले अगर आप चाहो तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, वेरीफाई कैसे होगा, हैश जब googlechrome.exe मिसाल के तौर पर 500 MB की एक फाइल थी ना, तो उसका हैश कैलकुलेट किया, इतना लंबा सा एक स्ट्रिंग बन गया। डाउनलोड करने के बाद मैं भी क्या करूँगा, सेम टेक्निक से उसका हैश कैलकुलेट करूँगा तो सेम हैश आएगा। तो हैश अगर सेम आ रहा है तो मतलब चीज़ सेम है, समझ रहे हो बात। तो इसमें ऑथेंटिसिटी के लिए उसको किया जाता है, ना कि सिक्योरिटी के लिए। ओपन है मैसेज तो ओपन है, लेकिन बीच में कोई मॉडिफाई ना कर दे, बीच में कोई ये ना कर दे कि गूगल क्रोम डॉट एग्जी को मतलब कुछ और वायरस डाल दे और उसका नाम गूगल क्रोम कर दे, या एक बिट भी अगर चेंज हुआ उसमें तो हैश फिर वो नहीं कैलकुलेट होगा जो होता था। अच्छा, तो हैश कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एक तो मैंने नॉर्मल इंक्रिप्शन की एक एग्जांपल देके समझाई कि भाई हर लेटर को क्या कर दिया जा रहा है, एक की के ज़रिए उसको घुमा फिरा दिया जा रहा है और उसी तरीके से फिर वापस घुमाएंगे तो ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन के जो तरीके हैं। जो हैश कैलकुलेट होता है वो इस तरह से होता है कि जैसे ये शहजादा एक, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले के जो 2 लेटर हैं मैंने कहा यार शहजाद की हाइट नापो, सेंटीमीटर्स में जो आता है वो पहले के 2 लेटर या 3 लेटर हो गए, ठीक है। तो 173 या 163 कोई नंबर आ गया, वो आ गया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि यार इसके जो हेयर का कलर है, ठीक है, उसका जो RGB वैल्यू बनती है अगले नंबर पे वो रख दो, सही है। तीसरे नंबर पे इसका जो स्किन टोन है उसकी जो RGB की वैल्यू बनती है वो रख दो। चौथे नंबर पे अगर इसकी नज़रें कमज़ोर हैं तो जो इसको नंबर का चश्मा लगा हुआ है वो नंबर रख दो उसके आगे, ठीक है।
ठीक है, चौथे नंबर पे इसका जो वेट है ग्राम्स के अंदर वो लिख दो। अब समझ रहे हो, मैं जब मैं सर से लेके पैर तक पहुंचूंगा, प्री डिफाइंड है। जैसे MDA, एक MD5 करके टेक्निक है हैशिंग की, ठीक है, एक SHA करके है SHA-256, वो उनको पता है, मतलब SHA-256 पहले आंखों का नंबर रखता है, फिर बाल का, फिर दाढ़ी का, इस तरह करे, वो फिक्स है। तो वो शहजाद का मैंने हैश कैलकुलेट किया, मेरे पास इतना लंबा एक स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, दैट इज हैश, जो शहजाद का हैश है या गूगल क्रोम का हैश है। अब क्या होगा कि मैं इस हैश को वापस शहजाद तो नहीं बना सकता, नहीं बना सकता ना, ऑब्वियस बात है। तो ये वन वे इंक्रिप्शन इसलिए कहलाती है। लेकिन अगर शहजाद खड़ा हो और मैं दोबारा उसका हैश कैलकुलेट करूँ तो हैश सेम आएगा, ठीक है। वैसे तो ह्यूमंस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हाइट थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, स्किन टोन धूप में निकला तो वो चेंज हो जाता है, तो ह्यूमंस में तो शायद है। लेकिन जो आपकी एग्जी फाइल है उसमें तो ऐसा नहीं हो रहा ना, वो तो फिक्स है, उसके तो बाल नहीं बढ़ते ना भाई, गूगल क्रोम के बाल बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं। तो वो फिक्स आएगा, हर दफ़ा एक आएगा। तो ये हैश कैलकुलेट करना समझ में आया कैसे हो रहा है? तो हम किसी भी फाइल का, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो एग्जी फाइल हो, MP3, MP4 या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गई, हम उसका भी हैश कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल ऑब्जेक्ट वो बड़ा ना हो रहा है, शर्त ये चेंज ना हो रहा हो, फिक्स हो गया, तो हम उसकी हाइट विड्थ का एक हैश कैलकुलेट करके हम भेज देंगे यार ये हैश। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, लास्ट वाला, ये क्या है? ये हैश है किसका? इस पेलोड का, इस पेलोड का हैश है ये। अब सवाल ये है कि भाई ये पेलोड का तो हैश मैंने बनाया है, तो ये तो हर दफ़ा सेम आना चाहिए, हर दफ़ा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा अगर इस डेटा को चेंज करना चाहता है तो वो चेंज नहीं कर सकता, ऐसा कैसे कह सकता हूँ मैं? ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि ये इसको चेंज नहीं कर सकता कोई? तो असल में इस पर टेक्निक ये करते हैं, देखो पहले समझ रहे हो प्रॉब्लम, समझ रहे हो? मैंने ये क्लेम किया था कि इसको चेंज नहीं कर सकता कोई, शुरू में क्लेम किया था, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बीच वाला आइटम है ये पेलोड है, यानी कि ये एक्चुअल डेटा है और इसी का हैश उसके पड़ोस में लगा हुआ है। तो मैंने ये हैश बना, ये मैंने टोकन बनाकर भेजा। अच्छा ये टोकन बना मैं नहीं रहा हूँ, ये बना रहा है लाइब्रेरी है, लेकिन ये हम समझ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है अभी। ये टोकन मैंने बनाया और बना के किसको भेजा? फ्रंट एंड में भेज दिया, वहाँ जाके सेव हो गया। अब जब ये वापस आएगा ना, हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें बीच में पेलोड में लिखा होगा ईमेल और लिखा होगा इज एडमिन ट्रू और फॉल्स, और उस बेस पे यहाँ पे हो रहा होगा। तो भाई आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि फ्रंट एंड में ब्राउजर से मैं टोकन निकालूं, टोकन निकाल के उसको मैं पार्स करूं, देखूं जेसन में क्या लिखा हुआ है, जेसन में इज एडमिन ट्रू करके वापस रख दूं उधर। अच्छा हैश, लास्ट वाला जो पार्ट है, जो हैश होता है वो किसका हैश है? वो तो बीच वाले का है, तो हैश भी अपडेट कर दूं साथ साथ, तो मसला तो वहीं आ गया घूम के। वही हैश बीच वाले पेलोड का हैश है ना जो लास्ट में रखा हुआ है, तो मैं बीच वाला पेलोड भी चेंज कर दूं, लास्ट वाला हैश भी चेंज कर दूं, ये तो मसला वहीं आ गया ना घूम के। ये फायदा क्या हुआ इसको? हाँ? अब बताओ इस मसले का क्या हल है? इस मसले का एक हल है, एक हल ये कि हम पेलोड में ना, पेलोड में हम जो भी पूरा जेसन होता है मेरा, 4, 5, 6 जितने भी उसमें आइटम्स हैं उस जेसन के अंदर, हम एक एडिशनल आइटम उसमें ऐड करते हैं सीक्रेट के नाम से, ठीक है, और वो हम इसमें नहीं रख के भेजते। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पेलोड का ना हैश कैलकुलेट करूँगा तो वो ये हैश नहीं आएगा एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि मैंने जब मेरे पास जेसन पेलोड तैयार किया, मैंने पेलोड में 4 प्रॉपर्टी थी, नेम, रोल नंबर, क्लास और इज एडमिन, ये 4 प्रॉपर्टी थी। मैं उसमें 5वीं प्रॉपर्टी लगाऊंगा क्या? सीक्रेट, जो मुझे पता है सिर्फ, और सर्वर पे वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में पड़ा हुआ, वो किसी को भी नहीं बताया मैंने, सिर्फ सर्वर पे, और सर्वर के अंदर घुस के तो कोई देख नहीं सकता। मैंने 5वां एक आइटम लगाया सीक्रेट, वो सीक्रेट एक स्ट्रिंग होगा, मेरी मर्जी का कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, छोटा या बड़ा। 5वां एक आइटम लगाया, अब मैं इसका हैश कैलकुलेट करूंगा, सही है, और इस हैश को मैं क्या नाम देता हूँ? सिग्नेचर का। और ये सिग्नेचर मैं कहाँ रखता हूँ? लास्ट वाले पार्ट में। इसका मतलब क्या है? अच्छा, फिर बीच वाला जो पेलोड है ना, वो मैं बाद में बनाता हूँ, वो मैं वापस इसको अलग करता हूँ और अब उसको मैं बीच में रख देता हूँ। अब होगा क्या कि अगर सिर्फ ये टोकन है ना किसी के पास, तो वो बीच वाले पार्ट को पार्स करके जेसन तो देख सकता है, लेकिन अगर उसको वो चेंज करेगा ना ज़रा सा भी, तो वो सिग्नेचर कैसे चेंज करेगा?
सिग्नेचर चेंज करने के लिए उसको चाहिए वो पांचवा आइटम, जो रख के फिर हैश कैलकुलेट करेगा वो सिग्नेचर आएगा, समझ रहे हो? तो वो पार्ट मैं छुपा लेता हूँ, वो मैं किसी को नहीं बताता। ये बात समझ आई सब लोगों को? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ब्राउज़र पे से निकाल के इसको मैंने चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए होगा बीच वाला पार्ट पेलोड, सही है, दूसरा एक सीक्रेट चाहिए होगा मुझे, ठीक है, मैं उसको मॉडिफाई करूँगा पेलोड को जैसे भी मुझे करना है, साथ में पेलोड वो लगाऊंगा सीक्रेट, और फिर उसका हैश कैलकुलेट करके मैं लास्ट वाला पार्ट मुझे अपडेट करना होगा, और वो सीक्रेट तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो ये मैसेज, ये बीच वाला पार्ट है ओपन, सब कोई उसको रीड कर सकता है, ठीक है, इसी वजह से इसमें कोई सेंसिटिव डेटा नहीं रखते आप, ईमेल रखते हैं इसमें, इज एडमिन ट्रू वगैरह रख लेते हैं आप, कितने बजे इशू हुआ है ये रख देते हैं, कब एक्सपायर हो जाना चाहिए इसको वो रख देते हैं, तो इस तरह की सारी बातें आप रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको JWT जो है वो अच्छे से समझा दिया मैंने, अगर किसी को भी कोई बात समझ में आई है तो वीडियो रिकॉर्ड कर दिया मैंने, थोड़ा सा पीछे करके उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब कहानी कुछ यूँ है कि ये JWT हमने, दोबारा से रिवाइज करता हूँ, ब्राउज़र से लॉगिन की रिक्वेस्ट आई, लॉगिन की रिक्वेस्ट में उसने क्या भेजा, ईमेल और पासवर्ड। मैंने डेटाबेस में एज यूजुअल, जैसे मैं डेटाबेस में जाके चीज़ों को कंपेयर करता हूँ, मतलब डेटाबेस से मैंने उस ईमेल का यूज़र मंगवाया, पासवर्ड मैच किया, मैंने कहा हाँ ठीक है भाई पासवर्ड सही भेजा है इसने। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं JWT बना के JWT तैयार करूँगा उस यूज़र के लिए खास, जिसके पेलोड में उसका ईमेल होगा, इशू टाइम होगा, एक्सपायरी टाइम होगा, सब चीज़ें रख के, और मैं रिस्पॉन्स के साथ ये टोकन रखवा के भेजूँगा वापस। रिस्पॉन्स में मैं इसको कहाँ रखवाऊँगा, बॉडी में नहीं, एक तो रिस्पॉन्स की बॉडी होती है ना, हेडर में भी नहीं, रिस्पॉन्स का भी हेडर होता है, जैसे रिक्वेस्ट का हेडर है, रिस्पॉन्स का भी हेडर है, क्वेरी पैरामीटर में नहीं, URL पैरामीटर में नहीं, कुकीज़ में भी नहीं, HTTPS ओनली कुकीज़ के अंदर। जब ये लॉगिन का जो रिस्पॉन्स जा रहा होगा वापस ब्राउज़र की तरफ, तो मैं उसमें कहाँ किस जगह रख के भेजूँगा, HTTPS ओनली कुकीज़ में रख के वापस भेज दूँगा। अच्छा, जब ये कुकी वहाँ जाके सेव हो जाएगी HTTPS ओनली करके, तो वो कुकी जो है ना, मैं एज अ फ्रंट एंड कोड, मतलब फ्रंट एंड पे भी तो एक JavaScript लिखी हुई है ना मेरी खुद की, उस कोड से मैं ये चीज़ डिटेक्ट नहीं कर सकता कि कुकी में कुछ आके सेव हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये तो अजीब सी बात है, जब मुझे पता ही नहीं चलेगा उस कोड में, तो मैं वापस उसको भेजूंगा कैसे इधर भाई, अगली रिक्वेस्ट में मैंने वही टोकन वापस भी तो भेजना है ना ऑथेंटिकेशन के लिए, कि भाई अब जैसे गेट प्रोफाइल किया, कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, कोई डिलीट कर रहा है, तो वो टोकन मैंने वापस भी भेजना है सर्वर पे, क्योंकि सर्वर जब तक उस टोकन को देखेगा नहीं मुझे कुछ करने नहीं देगा। तो मैं क्या करूँगा, एक्सियोस से जब रिक्वेस्ट करूँगा ना मैं, तो उसमें मैं क्या लगाऊंगा कि क्रेडेंशियल ट्रू, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है एक्सियोस में क्रेडेंशियल ट्रू, तो मैं अब अगली जितनी भी रिक्वेस्ट करूँगा मैं बोलूँगा क्रेडेंशियल ट्रू ऑप्शंस के अंदर, ये बोल के करूँगा, ठीक है। तो जैसे एक्सियोस डॉट पोस्ट करते हैं तो उसमें एक जेसन देते हैं, अब कॉमा डाल के एक पैरामीटर और देंगे जो कि जेसन होगा, और उसमें एक्सियोस के ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन के अंदर एक विद क्रेडेंशियल होता है, उसके अगेंस्ट हम ट्रू करके पास करेंगे। तो एक्सियोस से जब वो रिक्वेस्ट निकलेगी ना, तो ब्राउज़र की ये जिम्मेदारी है, जब तक रिक्वेस्ट एक्सियोस से निकल रही है उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ वो टोकन होगा, लेकिन ब्राउज़र की फिर ये जिम्मेदारी होगी कि वो जैसे ही ब्राउज़र से बाहर निकलने लगे तो उस रिक्वेस्ट के साथ उस टोकन को जोड़ दे। अब ये टोकन कहाँ रख के भेजेगा ब्राउज़र, बॉडी में नहीं, हेडर में नहीं, कुकीज़ में, ठीक है, और HTTPS ओनली कुकीज़ में। तो जब ब्राउज़र से मेरे पास वापस अगली रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसका टोकन बॉडी में नहीं ढूंढूंगा, हेडर में नहीं ढूंढूंगा, ना क्वेरी पैरामीटर में, ना URL पैरामीटर में, मैं उसको ढूंढूंगा कुकीज़ में, ठीक है। अच्छा, अब जब कुकीज़ वो आएंगी ना मेरे पास, जब वो कुकीज़ मेरे पास आएंगी, तो ये जो कुकी पार्सर है ना, अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, तो यहाँ सर्वर पे भी मुझे बताना होगा कि वहाँ से जो कुकी आई है ना वो HTTPS ओनली वाली कुकीज़ है, यहाँ पे भी मुझे बताना होगा, वरना इधर मैं उसको पार्स नहीं कर पाऊँगा, इधर पार्स होगा वो कहेगा खाली है कुकीज़, ठीक है। तो कुकीज़ और HTTPS ओनली कुकीज़, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो वहाँ से भेजते हुए भी हमें बताना पड़ेगा। अच्छा, जो बगैर HTTPS वाली कुकीज़ है ना, उसके लिए हमें कुछ भी करना नहीं होता, क्रेडेंशियल ट्रू वगैरह, वो हर दफ़ा खुद ही आती और जाती रहती है, ठीक है, उसको हम यूज़ नहीं करते आमतौर पर, लेकिन वो आती और जाती रहती है, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ मौजूद होती है ना। वेल, तो
ये हमने अच्छे से समझ लिया, एक्सप्लोर कर लिया कि JWT या JSON वेब टोकन एक्चुअल में है क्या, कैसे जनरेट होता है, क्यों सिक्योर है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड देखा, कैसे जनरेट होता है, कैसे वेरीफाई होता है। अच्छा, वंस वो जब मेरे पास वापस आएगा ना टोकन, तो वेरीफाई भी मैं इस लाइब्रेरी के थ्रू करूँगा, ठीक है। बट ये लाइब्रेरी वेरीफाई एक्चुअल में कैसे कर रही होगी, ये उठाएगी बीच वाला पेलोड, उसको पार्स करेगी जेसन में जो भी वो है, उसके अंदर लगाएगी सीक्रेट, अब ये पूरा हो गया। अब इसका हैश कैलकुलेट करेगी और सिग्नेचर से मैच करेगी, अगर वो मैच हो गया इसका मतलब है किसी ने बीच में कोई चेंजेस नहीं किए। अच्छा, और कुकी पार्सर से हम बोलेंगे कि भाई इसको ना कुकी को पार्स कर दो। अच्छा, तो आ जाते हैं हम जल्दी से कोड की छापा छुपी लगाते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे से एक सीक्रेट पहले ही डिफाइन कर दिया अपने सर्वर पे। मैंने देखो मैंने क्या लगाया, कॉन्स्टेंट सीक्रेट इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट वेरिएबल डॉट सीक्रेट। मैंने कहा एनवायरमेंट वेरिएबल में जाओ और सीक्रेट के नाम से एक चीज़ पड़ी हुई वो लेकर आ जाओ, अगर वो ना मिले तो टॉप सीक्रेट एक स्ट्रिंग है, मैंने कहा यार ये आप इसको सीक्रेट के तौर पे अभी फिलहाल कंसिडर कर लो, ठीक है। तो डेवलपमेंट के टाइम पे जब मैं चलाऊंगा तो मुझे ये वाला सीक्रेट चल रहा होगा मेरा, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्शन में जाएगा, जब हरिको पे या साइक्लिक पे ही अपलोड होगा, तो वहाँ के एनवायरमेंट वेरिएबल में एक दूसरा सीक्रेट होगा जो कि प्रॉपर होगा मेरा। तो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट का सीक्रेट आमतौर पर अलग भी रखा जाता है, ठीक है, चाहे तो आप सेम रख दें। अच्छा, ये जो टॉप सीक्रेट है ना, ये वाला, ये काइंड ऑफ एक डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए है। वो एक्चुअल वाला जो आपका सीक्रेट है वो कभी भी आप गिटहब की रिपोजिटरी पर पब्लिश नहीं करते, चाहे वो प्राइवेट रिपोजिटरी ही क्यों ना हो, कोई भी, क्योंकि वो क्रेडेंशियल है आपका। किसी भी किस्म की क्रेडेंशियल, चाहे वो डेटाबेस का URL हो, चाहे वो आपका जो है किसी चीज़ का पासवर्ड हो, कोई API की हो, वेदर API की, ठीक है, न्यूज़ API की हो, या ये वाला सीक्रेट हो, ये आपने गिटहब की रिपोजिटरी में पब्लिश नहीं करना, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, ठीक है। ये रेकमेंडेड नहीं है, उन्होंने खुद बोला हुआ है कि प्राइवेट है, लेकिन एक्चुअल में उस लेवल की प्राइवेसी नहीं है इसमें, ठीक है। यही वजह है कि सर्वर के अंदर भी ना एनवायरनमेंट वेरिएबल जहाँ पे सेव होते हैं वो एक अलग सिक्योर जगह है। एनवायरनमेंट वेरिएबल जहाँ पे होते हैं ना हरिको में और साइक्लिक में और गूगल क्लाउड, वो एक अलग ही जगह है। वो नॉर्मल जहाँ पे सर्वर आपका रन हो रहा होता है वो जगह इतनी सिक्योर नहीं है, एनवायरनमेंट वेरिएबल उससे ज़्यादा सिक्योर जगह होती है, ठीक है। तो सबके सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं, तो चीज़ों की जगह डिफाइन हुई भी है कि यार ये वाली चीज़ है, इसके सिक्योरिटी लेवल ये है, तो आपने इसको इधर स्टोर करना है। तो बेहतर ये है कि आप फॉलो करें, सब लोग उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये मैंने सीक्रेट शुरू में ही डिफाइन कर दिया कि भाई ऐसे करके चलेगा ये। अब आगे चलते हैं, जैसे हम जेसन को पार्स करते थे इसी तरीके से अब हम कुकीज़ को भी पार्स करेंगे। और कुकीज़ को पार्स करते वक्त शायद मुझे यहाँ पे बताना भी होता है, ठीक है, ये जेसन को पार्स करते थे, अब हम कुकीज़ को भी पार्स करेंगे, ठीक है। कुकी पार्सर को एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुकी पार्स करते हुए मुझे बताना होता है कि ये क्रेडेंशियल ट्रू है, ठीक है। कुकी पार्सर ये NPM का एक पैकेज है। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें वो क्रेडेंशियल ट्रू बताना होता है क्या, नहीं इसका जिक्र तो नहीं है। कहाँ पे नीचे बताया मैं, नहीं ये तो दूसरा है ना, ये तो क्रॉस ओरिजिन है। क्रॉस ओरिजिन की ज़रूरत जब पड़ती है जब आपका फ्रंट एंड एक अलग URL पे हो और बैक एंड आपका एक अलग URL पे हो, तब आपको क्रॉस कॉर्स करके ये लाइब्रेरी है इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वेल, तो देखते हैं अगर ये मसला करेगा, अगर, क्योंकि मुझे ऐसा याद पड़ रहा था कि कुकीज़ में भी बताना पड़ता है पार्स करते हुए। अच्छा, तो कोर्स की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोर्स में भी हमें क्रेडेंशियल ट्रू बताना पड़ता है, क्योंकि गूगल क्रोम का सिक्योरिटी फीचर है ना ये, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को जो रोकता है कि भाई आप facebook.com के डोमेन पे खड़े हो तो आप रिक्वेस्ट कहीं और कैसे भेज रहे हो, तो जहां भेज रहे हो वहां से परमिशन लेता है पहले वो, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप यानी क्रेडेंशियल के साथ कोई रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो तो वो सर्वर से परमिशन लेता है कि यार मैं क्रेडेंशियल के साथ वाले रिक्वेस्ट भेज दूँ या नहीं भेज दूँ, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, मुझे ये लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। इसको वैसे हम हटा के भी देख लेंगे, सेम सर्वर पे शायद ये उस तरह से इशू ना करें, लेकिन इसका कोड मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जस्ट इन केस, ताकि अगर आप कभी कल को दूसरे वाले पे भी डिप्लॉय करें तो आपको पता हो कि अच्छा इस तरह होता है। अच्छा, ये तो स्कीमा आ गया हमारा।
ठीक हो गया ये. अब ये लॉगिन की हमारी क्या आ गई, रिक्वेस्ट आ गई. अब ये लॉगिन की पूरी रिक्वेस्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. और काफ़ी लंबी सी रिक्वेस्ट है ये, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये काम कैसे कर रही है रिक्वेस्ट की. ठीक है, ये स्कीमा आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया. अच्छा, क्योंकि हमारा एक्सप्रेस का सर्वर पाइपलाइन मैकेनिज्म पे काम करता है, तो हमें जो लॉगिन की जो रिक्वेस्ट है वो सबसे टॉप पे रखनी है. ठीक है, लॉगिन और साइनअप की जो जो नॉट सिक्योर एपीआईज है, जो एक तो सिक्योर एपीआईज है जो लॉगिन होने के बाद ही इस्तेमाल हो सकती हैं, तो जो बगैर सिक्योर वाली एपीआईज है उसको मैं कहाँ रखूँगा, उसको मैं थोड़ा पहले रखूँगा, यानी टॉप पे. तो मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पर, और हमारे पास यूज़र का मॉडल बना हुआ है, यहाँ पर नहीं बना हुआ ना, यूज़र का स्कीमा नहीं बना हुआ. तो यूज़र का स्कीमा भी वहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यूज़र भी हमारे ही डेटाबेस में सेव होगा. तो यूज़र का मैंने क्या कर लिया, यहाँ से स्कीमा भी उठा लिया. ठीक है, तो ये जो स्कीमा पहले से बना हुआ है इसके साथ ही मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, यूज़र स्कीमा, और इसका नाम मैंने यूज़र रखा है. यहाँ पे एस भी लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं एस नहीं भी लगाऊंगा तो मोंगोज़ की जो लाइब्रेरी है वो इसमें एस ऐड कर देती है. क्यों, कि मोंगोज़ को लगता है कि कलेक्शन का नाम एस वाला होना चाहिए, प्रूलर होना चाहिए, क्योंकि कलेक्शन में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं. वो एरे वाला केस है, एरे का नाम जैसे हम एस लगाते हैं एरे के नाम के साथ, तो ये समझता है कि वैसा होना चाहिए. तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये इज़ मैरिड वगैरह हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्रिएटेड ऑन रहने देते हैं, ये एक जनरल सी चीज़ है, हर चीज़ में हमें इसकी ज़रूरत रहती है काइंड ऑफ. मिसाल के तौर पर मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने यूज़र हैं जो इसी महीने साइन अप हुए, तो उसके लिए क्रिएटेड ऑन काफ़ी सही रहता है. अच्छा, तो ये लॉगिन की जो रिक्वेस्ट है इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, कि इसमें क्या लिखा हुआ है. कुछ भी नया नहीं है, वही सब कुछ है जो आप पहले कर चुके हैं. अच्छा, इफ बॉडी डॉट ईमेल और बॉडी डॉट पासवर्ड इज मिसिंग, तो क्या करो, यहीं से उसको वापस भेजो 400 बोल के कि रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग है. ऐसे करके चाहिए दो चीज़, ईमेल और पासवर्ड. ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न लगाना ज़रूरी है. अगर आप इस तरह से रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहे हैं ना दरमियान में, तो रिटर्न लगाना ज़रूरी है, ताकि आपका ये फंक्शन भी यहीं रुक जाए. अदरवाइज फंक्शन आगे चलेगा और डेटाबेस के ऑपरेशन जो है वो गलत सलत होंगे, या उसमें से एरर थ्रो होगा, या वो बोलेगा कि भाई एक बार रिस्पॉन्स भेज चुके हो दोबारा, इस तरह का कोई ना कोई मसला वो देगा आपको. तो ये रिटर्न बहुत ज़रूरी है यहाँ पे लगाना. ठीक है, तो जब भी आप ऐसे इफ़ करके इसको वैलिडेट करें और वहीं से वापस घर भेज रहे हैं, तो ये रिटर्न, वैसे ये नहीं भी लगाएंगे ना तो रिस्पॉन्स ही आपको ब्राउज़र पे मिलेगा, लेकिन ये रिटर्न अगर नहीं लगाएंगे तो फंक्शन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं फंक्शन. ठीक है, तो इस इफ़ को मैं रोक दी, कोलैप्स कर दिया. अब यहाँ पर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, कि चेक इफ़ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट. ठीक है, ये ओए मैंने गलत लिखा हुआ है. अच्छा, बाय द वे हमें साइन अप शायद पहले करना था, yes, है ना. चलो खैर, हो गया. चेक इफ यूज़र एग्जिस्ट ये लिखना चाहिए यहाँ पे ना. ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. ठीक है, इमेजिन कर लो कि एक यूज़र पहले से डेटाबेस में है मेरे पास. ठीक है, इस तरह से इमेजिन कर लो, क्योंकि अभी हम ये लॉगिन अप शुरू कर चुके हैं. यार पहले साइन अप ही कर लेते हैं, यार पहले साइन अप कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि यूज़र क्रिएट हो रहा है कैसे, उसमें भी एक चीज़ है जो समझने वाली है. उसमें जो चीज़ है उसका नाम है बिक्रप्ट हैश. हाँ हाँ, वो लाइब्रेरी मैंने लिखी थी अपने कन्वीनियंस के लिए. अच्छा, तो मैंने ना साइन अप की एपीआई यहाँ पे रख दी. साइन अप को पहले साइन अप से शुरू कर लेते हैं. अच्छा, साइन अप में मुझे चार चीज़ें चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड. अच्छा, पोस्ट की रिक्वेस्ट है स्लैश साइन अप है, सिंपल है बिल्कुल. रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को मैंने अलग कर लिया बॉडी में. ठीक है, ऊपर बॉडी पार्सर लगा हुआ है एक्सप्रेस डॉट जेसन करके, जिससे ये बॉडी पार्स होकर मुझे यहाँ मिल रही है. मैंने ये वैलिडेशन लगाई, अगर ये नहीं वैलिडेशन सक्सेसफुल होती, यहीं से 400 करके वापस भेजा, रिटर्न लगा दिया. अब इस इफ को मैं कोलैप्स कर लेता हूँ. अच्छा, वंस मुझे पता चल गया कि भाई चारों पैरामीटर आ गए हैं, तो मैं अब क्या करूँगा, डेटाबेस में जाके सबसे पहले देखूँगा कि चेक इफ़ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट. एक्चुअली मैं यही वाला कोड मैंने फिर आगे उधर, क्योंकि क्वेरी तो एक ही है ना. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन. ठीक है, मतलब ईमेल क्योंकि मैंने यूनिक रखी हुई है, मैं चेक करता हूँ डालने से पहले, तो इसलिए वो एक ही मिलेगा. अगर एक भी अगर है पहले से इस ईमेल से, तो मतलब कि मसला है ना फिर. तो
तो मैंने कहा फाइंड वन चेक करो, ईमेल क्वेरी में देखो मैं क्या दे रहा हूँ, अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट देता हूँ तो क्या आता है, सब मैच हो जाते हैं उससे। लेकिन मैंने कहा कि ईमेल मैच होनी चाहिए किससे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, जो अभी मुझे बॉडी में ईमेल मिली है उससे अगर मैच हो रही है तो वो वाला लेकर आओ। तो सिर्फ वही यूज़र इसमें मुझे मिलेगा जो इस ईमेल से साइन अप होगा, ठीक है। इमेजिन कर लो मेरी ईमेल है abc@sysborg.com, तो अगर abc@sysborg.com से कोई बंदा होगा तो मुझे इस डेटा के अंदर वो मिल जाएगा, सही है। अच्छा, अगर कोई यूज़र उस ईमेल से नहीं मिलता है तो इस डेटा में मुझे क्या मिलेगा, नल मिलेगा, सही है। और एरर भी मुझे क्या मिलेगा, नल मिलेगा, सही है। देखो सिनेरियो समझो, यहाँ पे अगर तो एरर आ जाता है, कोई एरर का मतलब है कि कोई डेटाबेस का एरर आ जाता है, कोई कनेक्शन वनेक्शन का एरर, तो इस एरर में क्या मिलेगा मुझे, वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा पूरा एरर का, ठीक है। नॉर्मली इस एरर में नल होता है, तो मैंने देखो सबसे पहले क्या चेक किया, इफ़ नॉट एरर। तो आप अक्सर शायद आपने सोचा होगा ये नॉट एरर से क्यों शुरू होती है कहानी, वो इसलिए शुरू होती है कि इसमें डेटा भी तो नल आ सकता है, तो अगर मैं लगाऊंगा ना इफ़ डेटा तो डेटा भी नल आ सकता है, अगर यूज़र नहीं मिला तो डेटा नल है, लेकिन जब डेटा नल होगा तो हो सकता है एरर नल ना हो, तो इसलिए पहले एरर से शुरू होता है कि भाई एरर नल तो नहीं है, एरर नल है तो इसका मतलब है कि सक्सेस में नल है तो मतलब डेटा मिला नहीं है, समझ रहे हो। तो ये एक लॉजिकल चीज़ है। तो मैंने कहा भाई नॉट एरर, कि पहली बात तो एरर नहीं होना चाहिए, अगर एरर है तो ये इसके एल्स में देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई डीबी एरर 500 सेंड और रिटर्न, ख़त्म बात, आगे कुछ भी नहीं है इसके, ठीक है। तो इसका इफ जो है वो सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, मतलब इसका जो ये क्वेरी है ना, ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आना ज़रूरी है। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स वंस इसका आ जाता है तो फिर मैं क्या चेक करता हूँ कि इफ़ डेटा, अच्छा इसका नाम बाय द वे डेटा नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए यूज़र, क्योंकि मैं यूज़र सर्च करके ला रहा हूँ ना, ठीक है, इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ यूज़र, ठीक है, और तो कहीं नीचे नहीं यूज़ हुआ भाई, और कहीं पर भी नहीं हुआ हुआ, तो मैंने इसका नाम ना यूज़र कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये अगर या तो एरर होगा या तो यूज़र होगा। तो नॉर्मल केसेस में क्या होगा, यूज़र भी नल होगा क्योंकि इस ईमेल से पहले से कोई ईमेल, पहले से कोई बंदा सर डेटाबेस में नहीं होगा, तो इसमें नल होगा आमतौर पर। तो मैं बोलूँगा कि इफ़ यूज़र, अगर ये नल नहीं है कुछ मिल गया है तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है और आप कोई दूसरी ईमेल ट्राई करो और रिटर्न, दैट्स इट। एल्स में फिर मेरी आगे की कहानी चल रही है कि नहीं भाई यूज़र इस नाम से मौजूद नहीं है, तो अब ये एल्स में मेरी बाकी की कहानी चल रही है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे मैंने एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, स्ट्रिंग टू हैश, ठीक है, स्ट्रिंग टू हैश, और इसके अंदर मैंने क्या पास किया हुआ है, पासवर्ड, वो पासवर्ड जो यूज़र ने अभी अभी साइन अप होते वक्त भेजा है मुझे, ठीक है, उसको मैं हैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाली जो हैश की टेक्निक है ये कौन सी वाली है, ये है बिक्रिप्ट हैश, ठीक है, ये भी एक टेक्निक है, जैसे MD5 है, SHA-256 है, ASE है, एक ये भी है बिक्रिप्ट हैश। अब बिक्रिप्ट हैश ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोई और सा क्यों नहीं यूज़ कर रहे, बिक्रिप्ट हैश भी जो है वो क्या है, वो वन वे इंक्रिप्शन है, ठीक है, हैश होती वन वे इंक्रिप्शन है, तो ये वन वे इंक्रिप्शन है, इसका मतलब है ये जो पासवर्ड मैं इधर दे रहा हूँ ना, ये मुझे एक हैश देगा और उस हैश को मैं दोबारा असली पासवर्ड में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकता सो फार, ठीक है, अभी तक टेक्नोलॉजी वहाँ तक नहीं पहुँची, ऐसा बोला जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर्स के आने के बाद, एक्चुअली में पता है क्या, सिक्योर कोई भी चीज़ नहीं होती, कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक्चुअल में ना कंप्यूटर के अंदर, कि भाई इस हैश को मुझे वापस ओरिजिनल पासवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी, ये होता है ना कंप्यूटर साइंस में, ये होता है एक्चुअली, सिक्योर विक्योर नहीं होता कुछ, कॉम्प्लेक्सिटी होती है भाई, जो ताला है घर पे जो ताला लगाते हो क्या वो सिक्योर है, कॉम्प्लेक्सिटी का एक लेवल है, यही है ना, अगर बंदे के पास इनफ टाइम होगा और इनफ उसके पास टूल्स होंगे वो टक करके खोल लेगा उसको, समझ रहे हो ना बात, मतलब बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जो आयरन को यूं पिघला देते हैं, ख़त्म, मूवीज में देखा होगा तुमने, एस्केप प्लान देखी है, उसमें देखना एसिड डालता है ठक खुल जाता है वो सही है। अब आई एम नॉट श्योर कि असली में कोई ऐसा एसिड एग्जिस्ट करता है, वेल डायमंड टूल्स होते हैं जिससे फ़ौरन लोहा कट जाता है, ठीक है, इनफ टाइम अगर उसको मिले तो उसको ईजिली खोल सकता है। इसी तरीके से आपकी जो
क्या कहते हैं जो व्हीकल्स होती हैं आपकी मोटरसाइकिल्स या गाड़ियाँ जो होती हैं उसमें जो चाबी होती है वो सिक्योर है, वो सिक्योर नहीं है। मतलब मोटरसाइकिल में जो चाबी लगी हुई होती है ऐसे आप गुड़ करके घुमाते हैं वो एक्चुअल में अंदर एक वायर होती है, अगर उस वायर को काट दें तो वो चाबी भी वही करती है एक्चुअली। लेकिन वो क्या करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं, उसको ऐसी जगह पे लगाते हैं उसकी तार को हिडन करके लेके जाते हैं अंदर से, ठीक है। 70 के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि अच्छा ये पर्पसेस का ही है, तो वो समझते हैं बस ऐसे ही ये शो के लिए लगी हुई है चाबी, ठीक है। लेकिन जो ढंग की बाइक्स है उसमें आप देखें तार आपको नज़र नहीं आती कहीं भी, वो हिडन होती है अंदर, तो चाबी से ही आप उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। उसको आप खोल नहीं सकते, उसमें ऐसे स्क्रू लगे होते हैं जो नीचे से होते हैं, खोल नहीं सकते आप उसको जल्दी से, कॉम्प्लेक्सिटी है दैट्स इट। तो जितने भी ताले होते हैं, लॉकर होता है, जितने भी आपके अलमारी के ताले होते हैं, उसमें आप गौर अगर करेंगे ना तो उन सबको तोड़ा जा सकता है, खोला जा सकता है, ठीक है। जो अच्छे ताले होते हैं उसका मतलब होता है कि उसको खोलने में या तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कम जो सिक्योरिटी वाले ताले होते हैं उसका मतलब है उसको तोड़ने में कम टाइम लगेगा। दिस इज इट, कॉम्प्लेक्सिटी होती है और कुछ भी नहीं होता, सिक्योर नहीं होता कुछ भी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने 6 इंच मोटी स्टील का दरवाज़ा लगा दिया अपने घर पर, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आपने थोड़ी सी बढ़ा दी। पहले 2 इंच का ताला था छोटा सा, वो 2 इंच कटता था, अब 6 इंच का मोटा गेट है तो उसके लिए शायद पूरा प्लांट चाहिए होगा वेल्डिंग का उसको काटने के लिए, यही होगा ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको काटा नहीं जा सकता, काटा जा सकता, इनफ टाइम चाहिए, शायद उसको काटने में 3-4 दिन लग जाए, ताले को तोड़ने में शायद 2 घंटे में हो जाए, यही होगा ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, इनफैक्ट ये हो रहा है। तो ये जो हैश कैलकुलेट हुआ है ना, इसको वापस गैस करने के लिए, गैस कर सकते हैं एक्चुअली, पासवर्ड गैस करने के लिए इस हैश को देखते हुए डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई करूँगा, तुक्के मारूँगा और चेक करके देखूँगा, यही होगा ना। जैसे मैंने लेटर की एग्जाम्पल दी थी कि भाई हर 5 कैरेक्टर का वो की है और उसको मैं हर लेटर से मल्टीप्लाई मारता हूँ, तो उसको डिक्रिप्ट करने का क्या तरीका है, तुक्के लगा के, अगर कि मैं 5 नंबर की रैंडम की लूँ उससे चलाऊँ उसके ऊपर, नहीं हुआ फिर एक 5 डिजिट की लूँ चलाऊँ उसको, फिर लूँ चलाऊँ, तो 5 डिजिट का जो आपका वो है नंबर है, अगर मतलब मुझे फॉर श्योर कि 5 डिजिट का है और नंबर ही है, तो नंबर 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो 5 डिजिट के नंबर में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हुई, अरे कैसे बिलियंस क्या हो गया, 5 डिजिट 99 हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो 9,99,000 दफ़ा ये लूप चलेगा ना तो वो क्रैक हो जाएगा। ये जो मैंने जो इंक्रिप्शन की टेक्निक थोड़ी देर पहले बताई थी कि 5 डिजिट का की है और उसको सबको मल्टीप्लाई मार, तो 9,99,000 दफ़ा वो लूप चलेगा ना, तो 0,0,0,0,5,0 और 5,9 5,0 से लेकर 5,9 तक चलेगा, क्रैक हो गया, किसी एक में टकरा जाएगा बीच में, हो जाएगा ना। तो फिर उन्होंने बोला नहीं यार 5 डिजिट का ना अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब उसमें ABCD भी हो सकती है, तो अब 26 लेटर उसके भी मिला लो, तो वो 10 लाख की जगह शायद 10 करोड़ बने, यही होगा ना, 10 करोड़ दफ़ा लूप चलेगा क्रैक हो गया। तो इसमें जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी को इतना बढ़ा दिया जाता है, और हर एल्गोरिथम की आप गूगल करेंगे ना कि इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो किसी में लिखा हुआ है 100 ईयर, किसी में लिखा हुआ है 500 ईयर, ठीक है। जैसे SHA-256 है उसका पता नहीं कोई 400-500 साल आता है, कि अगर एक सुपर मतलब वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि इस वक्त कुर्रे अर्थ पे, ज़मीन पे, प्लैनेट अर्थ पे जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, या कुछ लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि दुनिया के तमाम कंप्यूटर को अगर मिला दिया जाए तो जितनी कंप्यूटिंग पावर बनती है उसको इस्तेमाल करते हुए अगर इसको गैस करने की कोशिश करें तो 500 ईयर्स में वो गैस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है आमतौर पे हैश के अंदर, ठीक है। इससे मतलब समझ रहे हो ना बात, बिल्कुल सिक्योर नहीं है 500 ईयर्स की, 500 ईयर्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर ऐसे करके। अच्छा तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, 500 ईयर्स बहुत दूर है, जिस बंदे का फेसबुक का अकाउंट है वो बंदा ही नहीं होगा 500 ईयर्स के बाद तो हैक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ रहे हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से डबल हो रही है, हर साल कंप्यूटर की स्पीड पहले से डबल हो जाती है ना। हाँ नहीं तो अगर इसी स्पीड से कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर बढ़ती रही तो
ये सारे जितने भी हैश के एल्गोरिथम है ये सब क्या हो जाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे एक पॉइंट पे आके। मतलब एक पॉइंट पे आके अगर 100 साल हो गया इसका, 500 से 100 पे आ गया, 100 से 90 पे आ गया, 90 से 40 पे आ गया, तो ये फिर वल्नरेबल हो जाएगा, फिर लोग इसको बोलेंगे यार कुछ करो। तो बहुत सिंपल सा हल है, इसको पैच करेंगे। अभी ये 1024 कैरेक्टर का होता है तो इसको डबल कर देंगे, ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा देंगे। दैट्स इट। क्रिप्टोकरेंसी में भी यही होता है कि भाई अभी 19 मिलियन पता नहीं कितना रहा बिटकॉइन, तो वो जैसे जैसे वो हैश होता जा रहा है उसको वो इतना बढ़ाते जा रहे हैं कि अब महीना महीना लग जाता है एक कॉइन को माइन करने में, सालों लग जाते हैं। सही है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को वो बढ़ाते जा रहे हैं, वो यही चक्कर है। वो एक पॉइंट पे आके वो 500 साल कॉम्प्लेक्सिटी कर देंगे जो लास्ट बिटकॉइन होगा, तो वो 500 साल तक घुमाओगे फिर आप बस। सही है, तो स्ट्रिंग से मैंने हैश में इसको कन्वर्ट कर लिया। स्ट्रिंग से हैश में कन्वर्ट करने का पर्पज़ क्या है? एक तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें हैश में कर दिया हमने, तो अब ओरिजिनल पासवर्ड तक मैं पहुंच नहीं सकता। मसला ये है कि इस हैश को ही मैं सेव करवा रहा हूं कहां पे? डेटाबेस में। इस हैश को ही मैं कहां सेव करवा रहा हूं? डेटाबेस में। अब डेटाबेस में मेरे पास ओरिजिनल पासवर्ड होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, हैश होगा सर। इसका बेनिफिट ये होगा मुझे कि मेरे डेटाबेस डेटा रूम में, ज़ाहिर है सर्वर तो मेरा चलेगा साइक्लिक के सर्वर रूम में, खुद का तो नहीं बनाया मैंने, गूगल के क्लाउड में चलेगा, और डेटाबेस भी मेरा गूगल के क्लाउड में होगा या मोंगोडीबी के, मोंगोडीबी एटलस के क्लाउड पे होगा, राइट? तो मोंगोडीबी एटलस वाले डेटाबेस तो देख सकते हैं मेरा, देख सकते हैं ना इन थ्योरी। मतलब वहाँ जो वर्कर है काम करने वाला, जो हार्ड ड्राइव को हाथ से अपना निकाल रहा है और हाथ से लगा रहा है, अगर वो चाहे तो उस हार्ड ड्राइव के अंदर मेरा डेटा देख सकता है, ठीक है। वैसे तो सिक्योर है, नहीं देखते, लेवल ऑफ प्राइवेसी है, लेकिन अगर उस आपको पता है डेटा सेंटर्स में से जो हार्ड ड्राइव ख़राब होती है उसको क्रश किया जाता है वहीं पे, और उसकी बाकायदा इन्वेंटरी होती है ताकि वहाँ से कोई ख़राब हार्ड ड्राइव भी बाहर ना लेकर चला जाए और बाहर जाके उसका डेटा रिकवर ना कर ले, ठीक है। तो उसको बाकायदा क्रैश करने की मशीन होती है, तो उसकी उसको लॉग करते हैं, उसकी इन्वेंटरी होती है कि अच्छा यार ये ख़राब हुई थी, ये यहाँ से निकली है, कितने दिन चल के निकली, और एक बड़ा लंबा इसका जो है एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। फेसबुक गूगल सब लोग करते हैं इसको, फॉलो करते हैं इस प्रोटोकॉल को, ठीक है। तो ताकि डेटा ब्रीच से बचा जा सके, डेटा लीक से बचा जा सके। तो लेकिन हमारे पास स्टिल एक चांस है कि अगर वहीं अंदर बैठे बैठे कोई यूज कोई अगर एम्प्लॉई है उसका डेटा पूरा कॉपी कर ले, या मिसाल के तौर पे जिस मुल्क में वो डेटा सेंटर है उस मुल्क से मेरा कोई मसला वसला हो जाए, तो अगर बादशाह सलामत बोलेंगे कि यार निकालो इसका डेटा, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर तो निकलेगा। तो उस सूरत में मेरा पासवर्ड किसी के पास भी नहीं जाएगा, ठीक है, हैश जाएगा, ठीक है। तो उससे होगा ये कि ये हैश जब वो डालेगा ना, अच्छा इस हैश से एक्चुअल पासवर्ड में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता क्योंकि हैश है, एक्चुअल पासवर्ड में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हैश है, और गैस किया नहीं जा सकता क्योंकि वो गैस करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब जाके अगर वो बंदा ईमेल के साथ पासवर्ड की जगह ये हैश लिखेगा तो वो काम नहीं करेगा, ठीक। तो ये मेरा इस तरह से क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। अच्छा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर किसी को पता चल गया, मतलब ईमेल और फर्स्ट नेम का पेयर किसी को अगर मिल गया तो वो तो गया, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इंस्टेंटली क्या होगा, मिसाल के तौर पे इमेजिन करो कि किसी बैंक की एप्लीकेशन है, तो बैंक की एप्लीकेशन का अगर डेटाबेस ब्रीच हुआ है तो इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड की जगह हैश है, उसके साथ एक होगा अमाउंट, अमाउंट होगा ना उसकी जगह। तो अगर यहाँ पे हैश नहीं होता तो फौरी तौर पे क्या होता, अब मेरे पास 2 मिलियन यूज़र हैं, मिसाल के तौर पे 2 मिलियन यूज़र हैं बैंक के, और हर किसी के ईमेल के साथ उसका अमाउंट भी है, और वो डेटा ब्रीच हो गया और पासवर्ड साथ में गया ओरिजिनल वाला, तो जो भी बंदा है ना वो फटाफट देखेगा कि किसका अमाउंट ज़्यादा है, उसका अकाउंट लॉगिन मारेगा, ट्रांसफ़र कर देगा, कर सकता है ना ये काम। लेकिन अगर पासवर्ड हो ही नहीं, हैश हो, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी माइनस हो गई, ठीक है। हाँ, स्टिल मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि अगली दफ़ा जब मेरा यूज़र लॉगिन होगा तो उसको मैं कहूँगा यार पासवर्ड चेंज कर लो अपना क्योंकि ब्रीच हो चुका है, ये तो मैं करूँगा स्टिल, लेकिन मैं रिलैक्स रहूँगा कि वो इतना बड़ा ख़तरा भी नहीं है। अमाउंट पता चल गया, ईमेल पता चल गया, ये एक अलग चीज़ है कि उसको कोई अलग से जाके थ्रेटन कर दे, ठीक है। वैसे तो ऐसा बहुत रेयरली होता है, कोई 10 साल में जाके कोई ऐसा एक केस आता है कि इस तरह का कोई डेटा ब्रीच देखने में आया कि भाई पूरा ही डेटा चला गया। तो इस वजह से मैं कभी भी, चाहे किसी भी लेवल की ऐप हो, चाहे छोटे स्केल की हो चाहे बड़े स्केल की हो,
कभी भी डेटाबेस में ओरिजिनल पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखा जाता। ये चीज़ आपने, ये रूल ऑफ थम है कि डेटाबेस में कभी भी पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखेंगे आप, हमेशा उसको हैश में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, वंस ये हैश में कन्वर्ट हो गया तो इसको मैं वेरीफाई कैसे करूँगा? मैं वेरीफाई ऐसे करूँगा कि मैंने अभी शहजाद का हैश कैलकुलेट किया, उस हैश को डेटाबेस में रखवा दिया। अब कहीं से ओरिजिनल शहजाद आएगा, मैं दोबारा उसका हैश कैलकुलेट करूँगा तो हैश सेम आएगा, ठीक है? तो पता चल गया मुझे। तो जब भी लॉगिन करने के लिए वो अपना पासवर्ड ओरिजिनल लेकर आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसका हैश कैलकुलेट करूँगा और उसको मैच करूँगा इस वाले से। अगर वो हैश सेम हो गया तो मैं समझ जाऊँगा कि ये पासवर्ड ओरिजिनल लेकर आया है, ठीक है? अच्छा, एक यहाँ पर ट्विस्ट और है। क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं बिक्रिप्ट हैश, बिक्रिप्ट हैश की क्वालिटी ये है कि जब भी मैं हैश कैलकुलेट करता हूँ तो ये हर दफ़ा अलग हैश देता है मुझे, सही है? अच्छा, ये ऐसा कैसे करता है? ये टाइम को इन्वॉल्व करता है हैश कैलकुलेट करने के दरमियान, ठीक है? अच्छा, तवज्जो है सब लोगों की यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, घर जाना है? अच्छा, मैं ख़त्म करते हैं दो मिनट में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लो। बिक्रिप्ट हैश की एक क्वालिटी है, जाहिर है जैसे कि मैंने बताया था कि हर हैशिंग एल्गोरिथम का एक अपना तरीका है। कोई पहले हेयर का कलर देखता है, स्किन टोन देखता है, फिर आँखों का नंबर देखता है, ठीक है? कोई पहले हाइट देखता है, फिर विड्थ देखता है, फिर वेट देखता है, फिर देखता है कि बेयर ट्रू फॉल्स, सही है? तो ये हर हैशिंग एल्गोरिथम का एक अपना वे है हैश कैलकुलेट करने का। तो बिक्रिप्ट हैश जो है ना, इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। इसने देखा भाई हाइट क्या है, वेट क्या है, पहले दो कैरेक्टर हाइट, फिर दो कैरेक्टर वेट, फिर दो ऐसे, उसके बाद वो देखेगा टाइम क्या हो रहा है अभी, वो रखेगा, फिर उसके बाद कुछ और रखेगा, कहेगा भाई चप्पल किस साइज़ की आती है पैर में। अब ये जो हैश बना है, ये अगली दफ़ा क्या मैं कैलकुलेट करूँगा सेम आएगा? बाकी चीज़ें तो सेम है लेकिन टाइम चेंज हो गया, ठीक है? तो ये टाइम को इन्वॉल्व करता है और कुछ अंदर ये खिचड़ी पकाता है और हर दफ़ा ये अलग हैश देता है, ठीक है? तो अब जब वो ओरिजिनल पासवर्ड लेकर आएगा ना, बावजूद इसके कि पासवर्ड वो पाकिस्तान रखा था उसने और अभी भी वो पाकिस्तान लाया है, लेकिन जो डेटाबेस में जो हैश सेम है वो अलग है। अब मैं जो हैश इसका कैलकुलेट करूँगा वो अलग आएगा, टाइम क्योंकि चेंज है, तो इस तरह से इसको मैच नहीं किया जा सकता। तो इसके जो बिक्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है ना, वो खुद हमें क्या देती है, एक फंक्शन देती है। वो कहती है भाई इस फंक्शन में आप दो पैरामीटर दो, एक तरफ ओरिजिनल पासवर्ड, एक तरफ वो हैश, और हम देख लेंगे कि क्या मसला है। आपको वो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। वो ट्रू का मतलब है कि ये एक ही है दोनों, ठीक है? वो इंटरनल अब कैसे करता है ये एक अब लंबी कहानी है कि वो उसको मैच कैसे करता है, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि वो हर दफ़ा अलग हैश जनरेट करता है और टाइम को इन्वॉल्व करता है, इस वजह से अलग हैश जनरेट होता है। इसका बेनिफिट क्या है, ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पेश आई कि हर दफ़ा अलग? मतलब सही तो चल रहा था, MD5 हर दफ़ा एक जैसा करता है, SHA-256 हर दफ़ा एक जैसा करता है, ये वाहिद है जो टाइम को इन्वॉल्व करता है। तो ऐसा करने की क्या लगता है आपको ज़रूरत क्यों पेश आई होगी? सोचो सोचो सोचो। सही है, ये लास्ट चीज़ हम देख के ना फिर छुट्टी करते हैं। छुट्टी के नाम से कैसी रौनक आ जाती है तुम लोगों के चेहरे पर। अच्छा, यहाँ पे दो लाइन में इन्होंने ये बात बताई हुई है कि बिक्रिप्ट इज़ अ पासवर्ड हैशिंग फंक्शन डिज़ाइन बाई फला फला, ये कोई अंकल है इन्होंने बनाया है, एंड डेविड करके कोई दूसरे इनके दोस्त भी हैं, बेस्ड ऑन ब्लोफिश साइफर, ठीक है? ब्लोफिश के नाम से कोई साइफर है, उसको यूज़ करता है ये, और इस जगह पे इन्होंने बनाया, ये कोई यूनिवर्सिटी है गालबन, 1999 में ये बना है, ठीक है? रिसेंट है इसका मतलब है। अच्छा, ये इसको सॉल्ट कहते हैं, वो जो रैंडम बीच में रैंडम चीज़ ऐड होती है ना, जो वो टाइम भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, उसको ये सॉल्ट कहते हैं। वो कहता है यार ये ना सॉल्ट ऐड करता है बीच में, वो क्या ऐड करता है, ये थोड़ा सा नमक डाल देता है बीच में, ठीक है? तो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रैम्बो टेबल अटैक, ठीक है? एक रैम्बो टेबल अटैक होता है, उससे आपको ये बचा लेता है, ठीक है? अब रैम्बो टेबल इफेक्ट अटैक क्या होता है वो आप ज़रा देख लीजिएगा। और बिक्रिप्ट इज एन अडॉप्टिव फंक्शन, ओवर टाइम द आइट्रेशन काउंट कैन बी इंक्रीज टू मेक द स्लोअर रिमेन रेजिस्टेंट ब्रूट फोर्स सर्च, ठीक है? ब्रूट फोर्स सर्च से भी आपको ये बचा लेता है, ठीक है जी? तो ये ज़रा अलग से स्टडी कर लीजिएगा कि ये दोनों काम ये
कैसे करता है। वैसे मैं हिंट के लिए बता देता हूँ कि जब आपके प्रोसेसर में ना कोई प्रोसेसिंग हो रही होती है, जब आपके प्रोसेसर के अंदर कोई प्रोसेसिंग चल रही होती है, तो अगर आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो प्रोसेसर मिल जाए, तो आप उसमें ऊपर से कुछ सेंसर कुछ डिवाइसेस लगा के ना, क्योंकि जाहिर है अंदर है तो वो सिलिकॉन ना, है तो पत्थर, अंदर पत्थर कुछ आपस में हो रहा है पत्थर के अंदर, तो उसमें से कुछ साउंड वेव्स निकलती हैं, कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, और उन रेडिएशंस को और उन साउंड वेव को डिटेक्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि अंदर, अच्छा प्रोसेसर में डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है और कुछ भी नहीं हो सकता, ये पता है ना आपको, प्रोसेसर के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई, दैट्स इट। प्लस माइनस का प्रोसेसर को पता ही नहीं होता, प्लस माइनस भी वो डिवाइड और मल्टीप्लाई के ज़रिए करता है, ठीक है। प्रोसेसर को प्लस माइनस करना नहीं आता, वो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करके ही करता है सारे काम, तो वो मल्टीप्लाई और डिवाइड से ही सारे काम होते हैं, तो वो डिटेक्ट किया जा सकता है कि किस वक्त ये मल्टीप्लाई कर रहा है, किस वक्त ये डिवाइड कर रहा है, और अगर ये पता चल गया तो उसको बैक ट्रैक किया जा सकता है कि ये हैशिंग एल्गोरिथम कैसे कैलकुलेट करता है हैश। भाई अगर मुझे ये पता चल गया कि भाई पहले ये हेयर कलर देखता है, फिर ये देखता है, फिर ये देखता है, फिर ये देखता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, और एक डेटा है उसके ऊपर मैं चलाता हूँ इसको और वो कैलकुलेट करता है। यानी ये उस पॉइंट की बात हो रही है कि जब बंदा लॉगिन करेगा और लॉगिन की रिक्वेस्ट इधर आएगी और मैं उसको मैच करूँगा ओरिजिनल पासवर्ड से, तो वो ओरिजिनल पासवर्ड उस पॉइंट पे गैस किया जा सकता है कैसे, अगर प्रोसेसर के ऊपर वो डिवाइस लगी हुई और उस रेडिएशन को सुन रही हो, ठीक है, एंड 1 in 1000 इस तरह करके कोई रेशो है कि वो सही गैस कर लेता है, ठीक है, तो उससे आपको ये बचा लेता है। और कैसे बचाता है ये, इसमें सॉल्ट के अलावा एक चीज़ और भी इन्होंने ऐड की है, राउंड्स, हाँ, तो 1 से 12 तक राउंड होते हैं, वो राउंड घुमाता है ये, तो आप उसको 1 दफ़ा घुमाएं या 12 दफ़ा घुमाएं, वो टाइम उतना ही लेता है, और मतलब जो मिसाल के तौर पे आपने 3 दफ़ा घुमाया, लेकिन टाइम वो 12 दफ़ा घूमने वाला ही लेगा, और जो बचा हुआ टाइम है उसमें वो रैंडम प्रोसेसिंग करेगा बिला वजह की, समझ रहे हो, तो वो जो डिटेक्ट करने वाला होता है ना, उसको ये नहीं पता चलता कि वो शुरू के जो 3 थे वो एक्चुअल थे, या शुरू के जो 6 थे वो एक्चुअल थे, या पूरा 12 के 12 वो एक्चुअल है, उसको ये पता ही नहीं चलता, ठीक है, और हर दफ़ा वो उसको चेंज भी करता है, कर सकते हैं चेंज, तो इतनी सोफिस्टिकेशन से इसको ये डिज़ाइन किया है इन्होंने, ताकि वो वाले, ये दो इन्होंने अटैक का नाम बताया, अगर आप इस दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी, एक ब्रूट फोर्स अटैक बताया इसने और एक रैम्बो टेबल बताया, तो इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा। वेल, तो अभी ये स्ट्रिंग से हैश में कन्वर्ट हुआ है पासवर्ड, और ये डेटाबेस में हमारे स्टोर हो गया, और एक यूज़र क्रिएट हो चुका है, ठीक है, यहाँ से रिस्पॉन्स चला गया, तो ये साइनअप की हमारी API क्या हो गई, कम्प्लीट हो गई। इसमें कोई सवाल किसी का साइनअप की API तक, ठीक है, तो अब इंशाल्लाह कल की क्लास में, यानी आने वाला जो भी हमारा एक दिन छोड़ के क्लास होती है, कौन से दिन होगी हमारी अगली क्लास, वेनसडे को, फिर हम इंशाल्लाह लॉगिन की API पढ़ेंगे, और देखते हैं फिर, कोशिश करना कि इतना बना लो।